बच्चों 8.2 का जो टॉपिक है ना, वो टॉपिक है इनवर्स फंक्शन का। अभी इनवर्स फंक्शन क्या होता है, बहुत इजी तरीके से हम समझते हैं, बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है कि आपके पास एक फंक्शन है, कंसीडर कर लो, उस फंक्शन को हम एफ कहते हैं, उसके जो डोमेन है वो एक्स है और जो को डोमेन है वो वाई के बराबर है, ठीक है। इसका अगर आप इनवर्स निकालोगे तो इनवर्स वैसे आपको बता रहा है कि वो चीजों को उल्टा कर देगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एडिशन का इनवर्स क्या होता है, सब्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है, आपको बताया जाता है कि नंबर 2 है, सही है। इसके अंदर हमने किसी नंबर को ऐड किया, कंसीडर कर लो हमने इस नंबर को ऐड किया और रिजल्ट हमारा 5 के बराबर आ गया। अब कोई आपको बोलता है कि यार मैं दोबारा जाना चाह रहा हूँ अपने 2 पे, तो मैं क्या करूं? आप बोलो सिंपल, यार आप सब्ट्रैक्ट करवा दो उसी नंबर से, आप दोबारा वापस चले जाओगे। कहने का मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन एक दूसरे के रिवर्स है, सेम वही चीज है। इसी को आप थोड़ा समझ लो इस वाले कॉन्टेक्स्ट में कि जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन था, आपने उसमें कुछ इनपुट किया, आपको एक आउटपुट मिला। जो इनवर्स होगा ना, उस इनवर्स के अंदर आप आउटपुट पुट करोगे, आपको इनपुट मिल जाएगा। इसको इस तरह समझो कि आपके पास एक फंक्शन था, फंक्शन को नॉर्मली मशीन भी कहा जाता है। जैसे अभी माशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद बकर ईद आएगी ना, तो जो हर आप लोग अगर घर के बाहर निकलो तो ठेले लगे होते हैं, वहां पे कीमा बना रहे होते हैं, क्योंकि सबको पता है कीमे की बड़ी डिमांड है आजकल। ठेले पे मशीन रखी होती है, कीमा बना रहे होते हैं उसके ऊपर। तो समझ लो वो मशीन एक फंक्शन है, मैथमेटिकल फंक्शन ही समझ लो ना उसको। आप उसके अंदर इनपुट क्या करते हो, क्या इनपुट करते हो, कीमो इनपुट करते हो और आउटपुट क्या आता है, आउटपुट आता है। इतने अच्छे तरीके से मैथ समझते हैं इंसान। तो ये एक मशीन है पूरी, एक फंक्शन है, इसका एक काम है ना। जैसे ये वाला फंक्शन क्या है, ये गोश्त को कीमा बनाता है। कुछ ऐसे भी आपको मशीन मिलेंगी, कोई और आप मशीन देख लो, मुझे जहन में तो नहीं आ रही कोई। फॉर एग्जाम्पल एक रोटी मेकर भी एक मशीन होती है, वैसे हमारे घरों में ज्यादातर यूज नहीं होती शायद, या होती हो मेरे घर में तो नहीं है खैर, लेकिन मैंने देखी हुई कि रोटी बनाने की भी ऑटोमेटिक मशीन होती है। तब उस मशीन का काम क्या है कि भाई आप जो भी आटा शाटा जो भी डाल लो, रिजल्ट में आपको रोटी मिल रही है, या जो भी सिस्टम उसका होगा, तो वो एक अलग किस्म की मशीन है। इसी तरह मैथमेटिकल फंक्शन भी होते हैं। एक एक्स स्क्वायर है, नंबर का स्क्वायर करता है, एक है एक्स क्यूब जो नंबर का क्यूब करता है। तो फंक्शन कंसिडर कर लो एक मशीन है, आपने यहाँ पे किया इनपुट, कंसिडर कर लो ये है आपका इनपुट, और आपको रिजल्ट में क्या मिला, आउटपुट। जो इसका इनवर्स होगा उसके अंदर क्या होगा, आप अगर इस फंक्शन का इनवर्स निकालोगे, आप इसको इस तरह समझो जो कीमे बनाने वाली मशीन है, उसका इनवर्स क्या होगा कि आप कीमा डालो और रिजल्ट में आपको क्या मिले, गोश्त मिले, वही चीज होगी। जो इस फंक्शन का आउटपुट आया होगा ना, वो जब आप इनवर्स में पुट करोगे तो आपको वही इनपुट मिल जाएगा जो आपने यहाँ पे किया था। तो काम उल्टा हो गया, जो आपने इनपुट किया था और जो आपको आउटपुट मिला था फंक्शन का, इसके इनवर्स के अंदर क्या होगा, आप इनवर्स के अंदर आउटपुट करोगे, आपको इनपुट मिल जाएगा, सही है। तो उसको लिखने का तरीका, नोटेशन क्या होती है, एफ ऑफ इनवर्स। तो अगर फंक्शन ये है ना, तो इसके इनवर्स को हम कैसे लिखेंगे, वाई टू एक्स। ये था फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, ये है फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स, क्योंकि जो यहाँ पे आउटपुट था वो अब इनपुट बन गया, जो यहाँ पे इनपुट था वो अब यहाँ पे आउटपुट बन जाएगा। तो ये फंक्शन और इनवर्स का आपस में ताल्लुक होता है। बेसिक बात समझ आ गई, इसी से आगे हमें लेके जाना है। अच्छा, अब इसको करने के ना, इसके अंदर छोटे छोटे पॉइंट हैं, कंफ्यूजन हैं, उनको हल करते हैं हम। सबसे पहले ना मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये काम वैसे एंड पे किया हुआ बुक ने, लेकिन मैं इसको पहले करना चाह रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। अच्छा, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं कि इस फंक्शन को आप कैसे लिखोगे, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब एक्स जो है ये आपका इनपुट होता था, वाई आपको आउटपुट मिलता था। जबकि इनवर्स के अंदर क्या होगा, इनवर्स के अंदर आप वाई पुट करोगे और आपको मिलेगा क्या, एक्स। हो गया ना, जो यहाँ पे आप आउटपुट मिलता था आपको, वो अब इसके इनपुट में कर रहे हो आप। मतलब इनवर्स के अंदर जो इसका आउटपुट था वो एज अ इनपुट होता है, यहाँ पे आपको इनपुट मिला था, वो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो ये वेरिएबल्स थोड़े इंटरचेंज होते हैं आपस में, सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है इसका। हम एक काम करते हैं, हम पहले इनवर्स निकालना सीखते हैं कि अगर आपके पास एक फंक्शन लिखा हो, उसका इनवर्स हम कैसे निकालेंगे। काम आएगी आपको ये चीज, कंसिडर कर लो आपको एक फंक्शन दे दें जी एक्स माइनस फाइव, और बोलेंगे यार इसका इनवर्स निकालो, निकालते हैं इनवर्स। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहले स्टेप में आप एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई लिखोगे, ये पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, आप एक्स की वैल्यू निकालोगे, तो निकालते हैं एक्स की वैल्यू, माइनस फाइव को उधर ले आओ पॉजिटिव हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू निकालो ये हो जाएगा वाई प्लस फाइव अपॉन थ्री।
ये जो x की वैल्यू, अब तीसरा स्टेप आपका क्या है, x की वैल्यू निकाल ली, इस x को आप रिप्लेस कर दोगे, मैंने बताया था ना x किसके बराबर है, f ऑफ इनवर्स y के, उल्टा हो गया, पहले y बराबर होता था f ऑफ x के, अब x बराबर होगा f ऑफ इनवर्स y के, तो आपने x की जगह पे क्या लिख दिया, f ऑफ इनवर्स y, या आपके पास या इनवर्स फंक्शन। तो ये था आपके पास फंक्शन, और ये आपने क्या निकाल दिया, इनवर्स। बस एक छोटा स्टेप है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताना है, तो चौथा स्टेप है वो ये है कि देखो यहाँ पे आपका फंक्शन x की फॉर्म में था, जबकि यहाँ पे फंक्शन y की फॉर्म में, अगर आप इन इन दोनों फंक्शन को एक ग्राफ पे बनाओगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, आपके फंक्शन का वेरिएबल सेम होना चाहिए ना, वरना एक ग्राफ पे आप कैसे बनाओगे, आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे। तो वेरिएबल तो हम अपनी तरफ से कुछ भी पुट करते हैं, ये जो आप x देखते हो ये हमारी मर्जी, हम यहाँ पे p पुट कर दें, हमें x अगर नहीं अच्छा लग रहा हम p पुट कर देते हैं, हमें अगर x अच्छा नहीं लग रहा हम a पुट कर देते हैं इसकी जगह। तो वेरिएबल को तो कुछ भी नाम दे दो आप, ठीक है। तो अगर आपका पूरा फंक्शन y की फॉर्म में, आप पूरे फंक्शन को x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, कैसे, आप इस तरह लिख दो। और इसके करने का मकसद मैंने आप लोगों को बता दिया कि अगर आप एक ग्राफ पे बनाओगे तो आपको आपस में कंपैरिजन बिल्कुल अगर देखना है तो वेरिएबल सेम होना चाहिए, वरना कंपेयर कैसे करोगे, कंपैरिजन नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो अब ये भी x की फॉर्म में, ये भी x की फॉर्म में है, इस तरीके से आप यहाँ पे इनवर्स निकालोगे। और अब देखना वर्क कैसे करेगा ये, कंसिडर कर लो मैं यहाँ पे वन पुट कर रहा हूँ, क्या हो जाएगा आंसर आपको क्या मिलेगा, माइनस टू मिल रहा होगा, ठीक है। आपको आउटपुट यहाँ पे क्या मिल रहा है, माइनस टू। आप एक काम करो, इस आउटपुट को यहाँ पे इनपुट कर दो, मतलब इस इनवर्स के अंदर मैं एक्स की जगह पे माइनस टू पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक्स की जगह माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। माइनस टू प्लस फाइव क्या होता है, थ्री, थ्री अपॉन थ्री वन के बराबर, तो यहाँ पे इनपुट था। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि जो इनपुट था वो यहाँ पे आउटपुट बन गया, जो आउटपुट था वो यहाँ पे आपने इनपुट कर दिया। इस तरह आप चेक कर सकते हो कि जो आपने आंसर निकाला है क्या वो ठीक है, आप चेक करके वेरीफाई करके देख लो। आप बताओ कुछ कंफ्यूजन को मसला है तो पूछ लो। नहीं, अच्छी बात है, यहां तक हमने देख लिया, अब मजीद थोड़ा और पढ़ सकते हैं इस बारे में, क्या पढ़े हैं इसके बारे में। अच्छा, अगर फंक्शन आपके पास इनपुट आउटपुट बना के दिया जाए, बिलफर्ज अगर आपको बोला जाए कि यार एक फंक्शन है और इस तरह दिया जा रहा है, ये रैंडम में लिख रहा हूँ, मुझे नहीं पता कौन से फंक्शन का मैं लिख रहा हूँ, ये आपको दिया जाए, अच्छा इसका मतलब क्या, जल्दी से क्यों बताएं क्या मतलब बन रहा है इसका। इसमें डोमेन और रेंज गिवन, कौन डोमेन, नहीं डोमेन और रेंज गिवन है, इसमें आपको बोला हुआ कि अगर आप वन पुट करो इस फंक्शन के अंदर तो क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, इसके अंदर अगर टू पुट करो तो क्या मिल रहा है, थ्री मिल रहा है, इसके अंदर अगर थ्री पुट करो तो क्या मिलेगा आपको, फाइव मिलेगा, ये मतलब है ना इसका। अब अगर आपको बोला जाए ये ओरिजिनल फंक्शन था यार, आपने इसका इनवर्स निकालना है, इनवर्स में क्या होता है, चीजें चेंज हो जाती है, जो इनपुट था वो आउटपुट बन जाता है, जो आउटपुट था वो इनपुट बन जाता है, तो अब आप इनवर्स को कैसे लिखोगे, कोई स्टूडेंट मुझे लिखवा सकता है इनवर्स के बारे में, 1, 3, 2। एक्सीलेंट, फिर 5, 3। एक्सीलेंट, ये देखो ये है फंक्शन और उसका इनवर्स। तो अगर इस नोटेशन में आपके पास आ जाए, एक फंक्शन दे दिया जाए, उसके इनपुट आउटपुट आपको बता दिए जाए, तो आप क्या करना, उसका इनवर्स के आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर फंक्शन की इक्वेशन फॉर्म दे दी जाए और आपको बोला जाए इनवर्स निकालो, तो आप इन स्टेप्स के जरिए से इनवर्स निकाल सकते हो। कहने का मतलब हर तरीके से आप इनवर्स निकाल सकते हो, जिस फॉर्म में भी आपको दे दें आप निकाल लोगे उसको। बिलफर्ज अगर आपको, एक और एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपको फंक्शन मैपिंग डायग्राम में दे दें, ये जो मैंने ऊपर बनाया ना इसको मैपिंग डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं इस तरीके से, ठीक है, और 1, 3, 5 ये सोल्यूशन बन गई थी, ये आपके पास था फंक्शन, आपको बोला जाए कि इसके इनवर्स की मैपिंग डायग्राम बनाओ, तो जरा इनवर्स की बनाते हैं। इनवर्स में क्या होगा, ये जो आउटपुट था और इसका इनपुट, मतलब जो इसका इनपुट था वो यहाँ पे आउटपुट बन गया ना, तो इनवर्स में क्या होगा, ये चीज हो जाएगी, एरोज उल्टे हो जाएंगे। आप ये समझ लो, पहले एरो जा रहा था 2 से लेके 3 पे, अब जा रहा है 3 से लेके 2 पे, पहले 2 पुट करते थे 3 मिला था, अब 3 पुट करोगे तो 2 मिलेगा। तो अगर ये फंक्शन है तो ये उसके इनवर्स की मैपिंग डायग्राम है, उल्टा कर देना है बस आपने, और कुछ भी नहीं करना, सही है। तो डिफरेंट फॉर्म में आपको दी जा सकती है बात। अच्छा यहाँ पे टेक्निकल पॉइंट है, बस 10-15 मिनट में और क्लास लूंगा, उसके बाद जान छोड़ दूंगा आप लोगों की, 10-12 मिनट में बर्दाश्त कर लो। टेक्निकल पॉइंट, उस टेक्निकल पॉइंट को समझना कि अगर आप ऑब्जर्व करो यहाँ पे डोमेन ऑफ फंक्शन
बराबर होती है रेंज ऑफ इनवर्स के। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करो, ये फंक्शन था ना, इस फंक्शन की डोमेन यहां पे क्या थी, 1, 2, 3, और इस इनवर्स की रेंज क्या है, क्या होती है, दूसरा जगह देखते हो 1, 2, 3। आप यहां पे ऑब्जर्व करो, जो इस फंक्शन की डोमेन है, इस फंक्शन की डोमेन क्या थी, 1, 2, 3, और इस फंक्शन की रेंज क्या है, 1, 2, 3। तो कहने का मतलब फंक्शन की डोमेन बराबर होती है रेंज ऑफ इनवर्स के। यहां पे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, फंक्शन की डोमेन क्या थी, 1, और इनवर्स की रेंज क्या है, अगेन 1, 2। तो जो फंक्शन की डोमेन होती है वो बन जाती है इनवर्स की रेंज, ठीक है, और जो रेंज होती है फंक्शन की वो बन जाती है डोमेन इनवर्स की। और ये भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, इस फंक्शन की रेंज क्या थी, 1, 3, 5, और इस फंक्शन की इनवर्स की डोमेन क्या है, 1, 3, 5। तो जो इसकी रेंज है वो इसकी डोमेन है, तो रेंज ऑफ एफ बराबर होगी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। कोई उल्टा आपने कर दिया, रिवर्स काम कर रहे हो आप। उम्मीद है ये वाला पॉइंट भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जरा एक और टेक्निकल बात समझते हैं। बात क्या है, यहां पे अगर आप बोर्ड पे हेडिंग देखो ना, तो मैंने लिखी हुई है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन को जरा समझते हैं क्या मसला है इसके अंदर। मैं आपको एक फंक्शन देता हूं, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इन स्टेप्स को इस्तेमाल करके कोई मुझे इनवर्स बता सकता है, मतलब इन्हीं स्टेप्स को आपने अप्लाई करना है, इसका इनवर्स निकालना है, तो मैं क्या करूं। पहला स्टेप, यहां पे पहला स्टेप तो मैंने कर दिया, वाई की फॉर्म में लिखा था। दूसरा स्टेप क्या करूं मैं यहां पे, जरा मुश्किल है। दूसरे स्टेप में क्या था, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो एक्स स्क्वायर बराबर है वाई के। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, आप दोनों तरफ क्या लोगे, स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई। उसके बाद आप बिल्कुल सिंप्लीफाई करोगे इसको, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ इनवर्स प्लस माइनस रूट एक्स। यही होगा ना, मतलब एक स्टेप मैंने स्किप कर दिए, इसके बाद ये वाला स्टेप होना चाहिए था, एफ ऑफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई। फिर मैंने बताया था वेरिएबल चेंज कर देना, यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, यहाँ पे भी एक्स आ जाएगा, ये चीज। तो ये आपके पास, इसको मैं एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख देता हूँ, ये था आपके पास ओरिजिनल फंक्शन और ये है इसका इनवर्स, यही है ना। मसला यहाँ पे क्या है, मसला ये है कि ये जो ओरिजिनल फंक्शन था ये वाकई फंक्शन था, तब अगर एक इनपुट करो तो एक ही आउटपुट मिल रहा है, लेकिन जो इसका इनवर्स आया है ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है ये फंक्शन, सोचो फंक्शन क्यों नहीं, ये जो इनवर्स आया क्या ये फंक्शन है या नहीं है? नहीं है इसका फंक्शन, क्यों नहीं है? अगर फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, एक इनपुट करो तो, यहां पे अगर मैं एक्स की जगह बिलफर्स 4 पुट करता हूं, ये हो जाएगा रूट फोर। रूट फोर क्या होता है, 2 के बराबर, लेकिन इसके साथ प्लस माइनस है, तो अगर मैं 4 पुट करूंगा आंसर आएगा प्लस माइनस 2। एक इनपुट किया आउटपुट 2 आ रहे हैं। कहने का मतलब जो आपका फंक्शन है उसका मैं इनवर्स निकाल लूं तो इनवर्स फंक्शन नहीं आ रहा, ये मसला होता है। तो याद रखना, जितने भी आपके फंक्शन है ना, जब आप उनका इनवर्स निकालोगे तो जरूरी नहीं है कि उनका इनवर्स भी फंक्शन आए। आपने एग्जांपल देख ली, इसका इनवर्स फंक्शन नहीं है, सिर्फ कुछ सिलेक्टेड फंक्शन है, सिलेक्टिव, जिनका आप इनवर्स निकालोगे तो उनका इनवर्स फंक्शन होगा, बाकी आप फंक्शन का इनवर्स निकालोगे जरूरी नहीं कि उनका इनवर्स भी फंक्शन आए, ठीक है। तो ऐसे कौन से फंक्शन है जिनका आप इनवर्स निकालो तो वो फंक्शन आए, वो है बाइजेक्टिव। जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन है ना, उनका जब आप इनवर्स निकालोगे, उनका इनवर्स जो है वो भी क्या होगा, उनका इनवर्स भी फंक्शन होगा। बात को याद रख लो कि जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव मैंने बताया था जो 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो, जितने भी बाइजेक्टिव फंक्शन है उनका जब आप इनवर्स निकालोगे तो उनका इनवर्स फंक्शन होगा, बाकी इनके अलावा फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो इनका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, वो रिलेशन ही होगा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई अगर आपने इनवर्स फंक्शन निकालना है ना, तो सिर्फ बाइजेक्टिव फंक्शन का ही जो इनवर्स है वो फंक्शन है, बाकी फंक्शन के इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं है। अच्छा, कल जो लास्ट टॉपिक हमने कंप्लीट किया था वो इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड था। इनवर्स फंक्शन आप इस तरह समझ लो कि जो फंक्शन है ना उसका रिवर्स कर देता है वो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फंक्शन है ना जिसमें आपने 1 पुट किया था आपको 2 मिला, 3 पुट किया आपको 4 मिला, 5 पुट किया आपको 6 मिला, ये आपका एक फंक्शन है, तो जो इसका इनवर्स होगा ना वो क्या करेगा,
उल्टा कर देगा सब। अगर वन पुट करने पे टू मिला था तो अब टू पुट करने पे वन मिलेगा, फोर पुट करने पे थ्री मिलेगा और सिक्स पुट करने पे फाइव मिलेगा। ये इनवर्स का काम चल रहा होता है। अगर आप इनवर्स को देखो और नॉर्मल फंक्शन को देखो तो जो इसकी डोमेन होती है, जैसे इसकी डोमेन क्या है, वन थ्री फाइव, तो जो इसकी डोमेन है ना वो यहाँ पे इस इनवर्स की रेंज होती है। और आप देखो ये रेंज आपको नजर आ रही है, ठीक है। और जो इसकी रेंज होती है जैसे टू फोर सिक्स, ये फंक्शन की रेंज है, ये डोमेन बन जाएगी इनवर्स की। इनवर्स की आप डोमेन देखो टू फोर सिक्स है। तो कहने का मतलब है जो फंक्शन की डोमेन होती है वो रेंज होती है इनवर्स की, और जो फंक्शन की रेंज होती है वो डोमेन बन जाती है इनवर्स की। ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद मैंने एक और बात बताई थी कि जितने भी आपके पास बाइजेक्टिव फंक्शन है ना, बाइजेक्टिव फंक्शन, उनके जब आप इनवर्स निकालोगे ना तो उनके इनवर्स जो है वो फंक्शन आएंगे। बाकी अगर किसी फंक्शन का इनवर्स निकालोगे तो उसका इनवर्स फंक्शन नहीं आएगा, रिलेशन आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, मैपिंग डायग्राम में हम एक फंक्शन बनाते हैं जो बाइजेक्टिव ना हो। कंसीडर कर लेते हैं ये वाला फंक्शन। अगर आप इस फंक्शन को देखो तो ये बाइजेक्टिव नहीं है, ठीक है। बाइजेक्टिव क्या होता है, फंक्शन जो दो बातों पे सेटिस्फाई कर रहा होता है, मतलब उसका वो वन टू वन भी होता है और ऑन टू भी होता है। ये वन टू वन तो है लेकिन ये ऑन टू नहीं है, तो इसका मतलब आप इसको बाइजेक्टिव नहीं बोल सकते। तो हम इसको इस तरह समझेंगे, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो वन फोर मिला था, टू को फाइव मिला था और सिक्स मिला था, ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है। अच्छा, मैंने कल आप लोगों को ये क्लास में बताया था कि इनवर्स में उल्टा हो जाता है। अगर ये आपका फंक्शन है ना, ये फंक्शन का एक्स है और ये फंक्शन का वाई है, तो आपने जो इनपुट करना है और आपको वहां पे आउटपुट मिल रहा होता है, अगर आप इनवर्स की मैपिंग डायग्राम बनाओ ना, तो इनवर्स की मैपिंग डायग्राम में क्या फर्क होगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है? अब पहले क्या लिखूंगा मैं, वाई। अब मैं पहले वाई लिखूंगा, उल्टा हो जाएगा सब। जैसे आपने यहां पे देखा था ना, जो यहां पे पहले एक्स था वो बेसिकली यहाँ पे वाई बना हुआ है, मतलब जो यहाँ पे डोमेन थी वो यहाँ पे रेंज बनी हुई है। तो अभी दूसरा सेट जो है ना, ये पहला लिखा जाएगा यहाँ पे और जो पहला था ये दूसरे पे लिखा जाएगा। तो मसला ये होगा कि अगर दोबारा वही काम करोगे आप, जैसे वन फोर था ये हो जाएगा फोर वन, इसी तरह ये हो जाएगा फाइव टू, ये हो जाएगा सिक्स थ्री। इनवर्स के अंदर आप उल्टा कर देते हो, मतलब फोर वन फाइव टू सिक्स थ्री, अब ये सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पे एक मसला है, कोई स्टूडेंट बता सकता है क्या ये फंक्शन है या नहीं, और नहीं है तो क्यों नहीं है सर? नहीं है क्योंकि सेवन का कोई आउटपुट नहीं है, सेवन इनपुट। ये मसला है, यहाँ पे जो इनवर्स है ना, इनवर्स का बेसिकली इनपुट क्या है y और आउटपुट क्या है x, मतलब उल्टा हो रहा है। अगर फंक्शन की इक्वेशन होती है y is equal to f of x, तो इनवर्स की इक्वेशन क्या होगी, x is equal to f of y, बस f of की जगह f माइनस वन लगाया हुआ है, इनवर्स को रिप्रेजेंट करता है ना, वो उल्टा हो जाता है। सॉरी, y और x यहाँ पे नहीं, सही लिखा था मैंने, ये होगा। तो अगर आप देखो ओरिजिनल फंक्शन में यहाँ पे x आ रहा था, यहाँ पे y, अब यहाँ पे x आएगा, यहाँ पे y आएगा, सब चीजें उल्टी हो रही हैं, तो ये यहाँ आके उल्टी होगी। तो नुकसान हमें क्या हुआ कि अगर हमारा ओरिजिनल फंक्शन बाइजेक्टिव अगर नहीं होगा, जैसे हमारा बाइजेक्टिव था, अगर आप ये देखो तो बाइजेक्टिव था, उसका इनवर्स हमें नजर आ रहा था, लेकिन इसको जब मैंने मैपिंग डायग्राम में डिफाइन करके आपको दिखाया है ना, तो ये आप देख के बता सकते हो ये बाइजेक्टिव नहीं है। और अगर आपका फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, जब आप उसका इनवर्स निकालोगे तो उसका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो जितने बाइजेक्टिव फंक्शन है ना, उन्हीं के इनवर्स फंक्शन है, बाकियों के इनवर्स फंक्शन नहीं होंगे। आप रिलेशन बोल सकते हो उनको, लेकिन वो फंक्शन नहीं होंगे। मैंने आप लोगों को वजह बता दी है, ठीक है। अच्छा, बाइजेक्टिव ना होना दो तरीके से हो सकता है, कि अगर फंक्शन बिलफर्ज वन टू वन है लेकिन ऑन टू नहीं है, आपने देख लिया, लेकिन ऐसा भी कोई फंक्शन होगा जो ऑन टू है लेकिन वन टू वन नहीं है, वो भी बाइजेक्टिव नहीं होगा, उसको भी जरा देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन टू थ्री और यहाँ पे फाइव सिक्स, इस तरह कर लेते हैं, वन का आउटपुट फाइव, टू का आउटपुट सिक्स, थ्री का आउटपुट सिक्स। अगर आप ऑब्जर्व करो, ये फंक्शन तो है लेकिन ये वन टू वन फंक्शन नहीं है, ऑन टू भी है। ऑन टू फंक्शन का मैंने क्या बताया था, क्योंकि एलिमेंट फारिग नहीं होना चाहिए, ये ऑन टू भी है लेकिन वन टू वन नहीं है, ठीक है। तो जब आप इसका भी इनवर्स निकालोगे तो ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है। इसको आप किस तरह लिखोगे, इसको आप लिखोगे वन का आउटपुट है फाइव, टू का आउटपुट है सिक्स और थ्री का आउटपुट है, थ्री का आउटपुट भी सिक्स है। और इनवर्स में क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा फाइव कॉमा वन, सिक्स कॉमा टू, ये हो जाएगा सिक्स कॉमा थ्री। तो एरो कैसे लगाओगे, फाइव से वन पे जाएगा, सिक्स पे टू पे जाएगा, सिक्स से थ्री पे जाएगा। तो आप यहाँ पे आराम से देख के बता सकते हो फंक्शन नहीं है। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक इनपुट के दो आउटपुट आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो अगेन वही बात, ये बाइजेक्टिव नहीं था, मसला वही है, ये भी बाइजेक्टिव नहीं था और वो भी बाइजेक्टिव नहीं था। तो जब भी आपका फंक्शन बाइजेक्टिव ना हो
तो मसला क्या होता है, जब आप उसका इनवर्स निकालते हैं तो वो फंक्शन नहीं आता, ठीक है। दैट्स वाई स्टेटमेंट दी जाती है कि जो बायजेक्टिव फंक्शन है उन्हीं के जो इनवर्स हैं वो फंक्शन है, बाकी सबके इनवर्स जो है वो फंक्शन नहीं है, आप उनको रिलेशन बोलोगे। तो ये मैंने कल बात बताई थी, आज मैं इसको मजीद थोड़ा और डिफाइन कर दिया बाकी बच्चों के लिए भी। ये पॉइंट क्लियर है सबको? पूरा तो क्लियर नहीं होगा, हल्का फुल्का हो जाना चाहिए क्योंकि आप लोगों ने देखा नहीं है वो। अब एक आखिरी पॉइंट क्लियर कर रहा हूं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम 8.2 सॉल्व करते हैं। वो आखिरी पॉइंट ये होता है कि जैसे आपने देखा था ये फंक्शन अभी जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था, ये 1-to-1 फंक्शन नहीं था। मतलब अगर आप एग्जाम्पल मिटा दिए, मैंने 1, 2, 3, 5, 6 कर लेते हैं, तो 1 का आउटपुट 5, 2 का 6, 3 का 6, तो ये 1-to-1 नहीं है। क्यों? क्योंकि दो इनपुट के सेम ही आउटपुट हैं, 2 और 3 का आपको सेम ही आउटपुट मिल गया, तो ये 1-to-1 नहीं है। तो आपने देखा कि जो 1-to-1 फंक्शन नहीं, जो 1-to-1 फंक्शन नहीं होते उनका जब आप इनवर्स निकालोगे तो वो फंक्शन नहीं आएगा। ये करके मैंने आप लोगों को दिखाया था, इसका इनवर्स फंक्शन नहीं आएगा। तो अब मसला ये होता है, कुछ ऐसे फंक्शन है जिसमें हम चाहते हैं कि यार अगर वो 1-to-1 नहीं है, आप उनको 1-to-1 जबरदस्ती बना दो। जब आप 1-to-1 जबरदस्ती बना दोगे ना, अब जब आप उसका इनवर्स निकालोगे तो आपको फंक्शन मिलेगा। क्या मैंने बात बोली है, दोबारा बताता हूं मैं आप लोगों को। अच्छा कोई, अच्छा मुझे आप लोग ही बताओ, अभी तक मैंने आप लोगों को वर्टिकल लाइन टेस्ट के बारे में बताया है? नो सर। यार बाकी भी कोई मुझे पता कर लो, क्योंकि मुझे लगता है मैंने बताया होगा, नहीं सर नहीं बताया। चलो देख लेते हैं। ये जो फंक्शन में आपने देखा था ना कि आप बोलते थे कि फंक्शन की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए, ये उस वक्त था कि जब आपके पास फंक्शन की इक्वेशन आई हुई है, या फंक्शन आपका इस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो कि एक इनपुट के कितने आउटपुट हैं, या मैपिंग डायग्राम में लिखा हुआ है तो आप देख सकते हो एक इनपुट के कितने आउटपुट हैं। लेकिन अगर ये सब चीजें ना गिवन हो और एक ग्राफ गिवन हो और आपको मालूम करना हो ये ग्राफ क्या फंक्शन का है या नहीं, तो फिर आप क्या टेक्निक यूज करोगे? जैसे ये आप लोगों को बहुत दफा मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये, ठीक है। अब अगर आपको मालूम करना है ये फंक्शन है या नहीं, इक्वेशन से तो आप आसानी से बता सकते हो फंक्शन ही है ये, क्योंकि एक वैल्यू पुट करोगे एक ही आंसर आपको मिलेगा। ग्राफ से कैसे बताओगे? आप सिंपल एक काम करोगे, आप वर्टिकल लाइंस बनाओगे। अगर आप देखो मैं वर्टिकल लाइंस बना रहा हूं, अगर हर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, देखो हर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, इसका मतलब ये ग्राफ जो है ये फंक्शन का है। और अगर वर्टिकल लाइन एक पॉइंट पे क्रॉस ना करे, दो पे करे, तीन पे करे, या एक से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस करे, तो वो फंक्शन का नहीं होगा। अब उसकी जरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को ये फंक्शन दिए, ये एक रिलेशन बोल दो इसको, ये रिलेशन क्या फंक्शन है या नहीं है? और फंक्शन नहीं है तो क्यों नहीं है? ये मैंने एग्जांपल दी थी आप लोगों को, शायद आप लोग भूल गए हो, मैं बता देता हूँ। दो आउटपुट आएंगे। हाँ एक्सीलेंट, अगर आप एक्स की जगह पे बिलफर्स 4 पुट करोगे तो वाई की यहाँ पे दो वैल्यूज आएंगे, तो दैट्स वाई ये फंक्शन नहीं है। आप ग्राफ से भी वेरीफाई कर सकते हो, जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना, आप लोग ये ना देखोगे ड्रॉ किस तरह कर रहे हैं, वो आप लोगों का टॉपिक नहीं है, लेकिन जब आप इसको ड्रॉ करोगे ना तो उसका ग्राफ इस टाइप का बनेगा, y square equal to x का। तो अब जब वर्टिकल लाइन आप बनाओगे तो आप खुद देखो एक वर्टिकल लाइन दो पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो ग्राफ से चेक करने का तरीका क्या है कि आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करो। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? आप वर्टिकल लाइंस बनाते जाओ, जो जो वर्टिकल लाइन अगर ग्राफ को एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रही है तो इसका मतलब वो फंक्शन है, और अगर एक वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस कर रही है तो आप बोलोगे यार वो फंक्शन नहीं है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? यस सर। मिटा नहीं रहा मैं इसको, नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। अब इसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये तो फंक्शन का आपने देख लिया। एक और टेस्ट भी होता है जिसको आप बोलते हो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या होता है? वो आपको बताता है कि फंक्शन आपका 1-to-1 है या नहीं है। वो 1-to-1 के लिए टेस्ट हम यूज करते हैं। बिलफर्ज एक ग्राफ आप लोगों के सामने मैंने बताया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप लोग मुझे बताओ, वैसे जितना आप लोगों को नॉलेज है, क्या ये 1-to-1 है या नहीं है? आइडिया लगा लो, 1-to-1 होगा या नहीं होगा? यस सर। 1-to-1 है? नहीं है सर। क्यों नहीं है? क्यों, वजह? ये नहीं पता सर। नहीं है तो कम आ रही है भैया, 1-to-1 नहीं है। उसकी वजह यह है कि 1-to-1 अगर कोई नहीं होता तो वो क्या कर रहा होता है, सेम डिफरेंट इनपुट पे सेम आउटपुट मिल रहा होता है आपको,
जैसे दो इनपुट होते हैं, आउटपुट आपको सेम मिल रहा होता है, आप बोलते हो वन टू वन नहीं है, तो सेम काम यहाँ पे भी तो होगा। आप यहाँ पे एक्स की जगह टू पुट करो तब भी आंसर फोर आएगा, आप एक्स की जगह माइनस टू पुट करो तब भी आंसर फोर आएगा। इसका मतलब इनपुट आपने डिफरेंट किए, एक जगह टू पुट किया, एक जगह माइनस टू पुट किया, लेकिन आउटपुट आपको फोर ही मिल रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन वन टू वन नहीं है। क्लियर हुआ सबको? ये बात आप ग्राफ से भी चेक कर सकते हो। आप क्या करो, ये ग्राफ है ना इसका, आप यहां पे टेस्ट परफॉर्म करो जिसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। आप यहां पे सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाए, ये बनाए। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस करे तो इसका मतलब वो वन टू वन नहीं है। आप देखो ये एक से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, आप इसको बोलोगे वन टू वन नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे क्रॉस कर रही है तो आप बोलोगे यार ये वन टू वन नहीं है, और अगर एक ही पॉइंट पे क्रॉस करेगी तो आप बोलोगे वन टू वन है। जैसे एक फंक्शन में एक और आप लोगों को बताता हूँ, अभी पढ़ोगे आज आप लोग उसके बारे में, ये क्यूबिक फंक्शन होता है जिसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये जो है ये फंक्शन भी है क्योंकि वर्टिकल लाइन टेस्ट को भी पास कर रहा है, और ये वन टू वन फंक्शन है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को भी पास कर रहा है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे क्रॉस कर रही है, ठीक है? तो मैं बताना आप लोगों को क्या चाह रहा हूं, वर्टिकल लाइन टेस्ट यूज होता है चेक करने के लिए कि ग्राफ फंक्शन है या नहीं है, और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट यूज होता है कि आपका ग्राफ जो है वो वन टू वन है या नहीं, इस ये चीज चेक करने के लिए। ये कॉन्क्लूजन सबको समझ आ गया यहां तक? यस सर। सही। तो वो जो आखिरी बात मैं बताना चाह रहा था इनवर्स से रिलेटेड, अब आप लोग पूरे तैयार हो, वो मैं कहां पे बताऊं, काम करो स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका। वो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि जो आपके पास फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका हम जरा इनवर्स निकालते हैं। असल चीज जो टॉपिक पे हम आ रहे हैं ना, पहले आप लोगों को थोड़ा बैकग्राउंड बताना था। इसके इनवर्स निकालने का तरीका जो मैंने कल बताया था दोबारा बता रहा हूँ, गौर से सुन लो। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपने एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई लिखना होता है, ये सबसे पहला काम होता है। दूसरा काम आपका क्या होता है कि आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसमें एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, सबसे पहले इसको इस तरह लिखो, ठीक है? दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट लो, जब स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस आता है, ये हो जाएगा एक्स प्लस माइनस रूट वाई, ये आपके पास दूसरा स्टेप होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा कि इस एक्स की जगह पे आप क्या लिखोगे, एफ ऑफ इनवर्स वाई, तो ये आपके पास इनवर्स आ जाएगा, ठीक है? बस मैंने कल भी बात बताई थी कि आपका ओरिजिनल फंक्शन एक्स की फॉर्म में और आप इसको वाई की फॉर्म में निकालोगे इनवर्स को, तो वो चीज दिखने में अच्छी नहीं लगेगी। और कल एक और रीजन भी मैंने बताई थी कि अगर आप एक साथ इनको ड्रॉ करना चाह रहे हो तो मसला होगा, तो बेहतर है आप इसका वेरिएबल चेंज कर दो, आप इसको एक्स बना दो, और आप ये कर सकते हो, आप अपनी तरफ से कुछ भी वेरिएबल पुट कर दो। चौथे स्टेप में आप इसको इस तरह लिखोगे, तो अगर ये ओरिजिनल फंक्शन है तो इसका इनवर्स आपके सामने इस तरीके से आएगा, चार स्टेप को यूज करके। ये तरीका होता है इनवर्स निकालने का, बहुत बेसिक सा तरीका। यहां पे जो मैं पॉइंट बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये चीज जो है ये फंक्शन है, ये फंक्शन है या नहीं है? नहीं है, ये फंक्शन नहीं होगा, दिखने में लग रहा है। अगर आप एक एक्स पुट करोगे आपको दो आउटपुट मिलेंगे, ठीक है? और वो मसला क्यों है, मसला इसलिए क्योंकि ये वन टू वन नहीं था। अगर आप इसको वन टू वन बना दोगे ना तो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन आएगा। अब इसको हम कैसे समझेंगे, इसको आप लोग इस तरह समझो कि ये जो ग्राफ है ना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ये इस तरह बनता है। आप क्या करो, आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब, अभी देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को पास नहीं कर रहा, आप क्या करो, आप इस ग्राफ को ना यहां से मिटा दो, इतना कर लो बस इसको। इतना करने के बाद अब मुझे बताओ क्या ये वन टू वन बन गया? हर हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पर क्रॉस कर रही है। ये टेक्निक हम यूज करते हैं उन फंक्शंस के लिए जो वन टू वन नहीं होते लेकिन हमें उनका इनवर्स निकालना है, तो हम क्या करते हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई तुम यहां तक ही रहो, इससे आगे ना बढ़ो। जब हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना तो फिर हमारी आसानी ये होती है कि वन टू वन बन जाते हैं। अब जब वन टू वन बन गया हमारी लाइफ इजी, हम आसानी से इसके आगे लिख सकते हैं ये चीज कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब ये जो पॉजिटिव है ना इसी को हमने कंसीडर करना है, ठीक है? नेगेटिव वाला पार्ट हमने कंसीडर नहीं करना, हम पॉजिटिव वाला ही कंसीडर करेंगे। और जब आप पॉजिटिव वाला कंसीडर करोगे तो जो एंड पे आपके पास आंसर आएगा, जैसे ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई है ना, तो हमने क्या बोला था, ये जो एक्स की वैल्यू है ये क्या होगी, ये पॉजिटिव ही होगी। तो इसका मतलब दैट्स वाई नेगेटिव वाली चीज आप कंसीडर नहीं करोगे यहाँ पे। इस वाले केस में जब आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना कि एक्स यहाँ पे पॉजिटिव ही है, तो उसका मतलब अब आपने प्लस माइनस नहीं लगाना, आपने बस पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। और उस तरह करोगे तो एंड पे आपके पास ये आंसर आ रहा होगा। और मजे की बात क्या है कि अब आपके पास जो इनवर्स आएगा वो फंक्शन बन जाएगा, ठीक है?
तो ये टेक्निक हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के जो ग्राफ है उसमें हम ये काम कर रहे होते हैं जब आप उनके इनवर्स निकालते हो। तो वो चीज मैंने आपको अभी बता दी है क्योंकि इनवर्स पहली दफा आप लोगों ने अभी पढ़ा है, तो मैंने आपको बता दिया कि कंक्लूजन मैं दे रहा हूँ कि कुछ ऐसे फंक्शन है जो 1:1 नहीं है लेकिन आप उनका इनवर्स निकालना चाह रहे हो, तो उसका इजी हल क्या है कि जो इनकी पूरी डोमेन है ना उसको रिस्ट्रिक्ट कर दो। रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब तंग कर दो उसको, ठीक है। मैंने नेगेटिव वाले हटा दिए, मैंने बोला कि जस्ट पॉजिटिव वाले में देखो आप, तो अगर आप पॉजिटिव वाले में देखो तो ये 1:1 बन गया, ठीक है। और जब आप इसका इनवर्स निकालोगे तो इसका इनवर्स भी क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं इनवर्स निकालना बाय यूजिंग डोमेन रिस्ट्रिक्शन, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके आप इनवर्स निकाल लो इस तरह। ये बात समझ आ गई है तो दैट्स इट, इसको नोट कर लो, कहीं ना कहीं आपकी काम आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। कोई और सवाल है तो पूछ लो, मैं आप लोगों को 8.2 सॉल्व करवाता हूँ। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे थे जी लो, तो 8.2 बच्चों ओपन कर लो। 8.2 के सवाल अगर आप देखो ना बहुत बेसिक से सवाल है और बार बार एक ही काम करने को वो बोल रहे हैं और एक्सरसाइज भी थोड़ी छोटी है, मतलब काफी छोटी है। अगर आपने एक दफा टेक्निक सीख ली तो फिर कुछ भी नहीं करना आपको इसके अंदर। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ, आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको बोला हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ। सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू मालूम करनी है, एफ ऑफ इनवर्स 36, फिर आपको मालूम करनी है एफ ऑफ इनवर्स -14, फिर आपको मालूम करनी है एफ ऑफ इनवर्स 0। तो मसला है कि एक दफा आप इनवर्स निकाल लो, जैसे ही आपके पास इनवर्स आएगा आप सारे पार्ट को एक साथ ही परफॉर्म कर दोगे, 36 -14 0 a सब कुछ पुट कर लोगे, सबसे पहले आपके पास इनवर्स आना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये करवाने से पहले एक चीज मेरे ध्यान में आ गई है, ये जो एफ ऑफ इनवर्स है क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, जो अभी तक आप लोगों की मैथ की नॉलेज है क्या मैं इस तरह कर सकता हूँ? यस सर। ये कंफ्यूजन आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे ज्यादा होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे मोस्ट जो गलती करते हैं ना बच्चे वो इस चीज की करते हैं, अरे मैं अभी से आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ, अभी से कॉन्सेप्ट खुदारा इसका ठीक कर लो, वरना आगे जाके मसला करोगे कहीं ना कहीं जाके, क्योंकि सेकेंड ईयर में भी इनवर्स का कॉन्सेप्ट है, फिर अभी ट्रिग्नोमेट्री में भी इनवर्स का कॉन्सेप्ट होगा, क्या करोगे वहां पे जाके। तो एक दफा में सीख लो, ये कभी भी ये चीज नहीं होती। और ऐसी क्यों नहीं होती, ये जो -1 है बच्चों समझ लो इस बात को, ये पावर नहीं है। उर्दू में लिख रहा हूं, मतलब रोमन में लिख रहा हूं ताकि समझ आ जाए, ये पावर नहीं है। ये जो काम आप करते हो उस वक्त करते हो जब ये पावर होती है, ये पावर नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये बेसिकली एक नोटेशन है, इसको नोटेशन समझो। जैसे एफ ऑफ एक्स है, ये किस्म की नोटेशन होती है ना, ये एफ दो राउंड ब्रैकेट लगाई है, दरमियान में एक्स पुट किया हुआ है, तो ये किस्म की नोटेशन है। इसी तरह इनवर्स की, ये जो आप किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालते हो ना उसकी नोटेशन होती है ये, कि आप ऊपर -1 लगाते हो। जैसे अगर आपके पास एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, इसके इनवर्स को आप कैसे लिखोगे, जी -1 एक्स। तो -1 यहाँ पे कोई पावर नहीं है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी का इनवर्स, मतलब जी का इनवर्स क्या होगा, इस तरीके से आप लिखोगे। तो याद रख लो ये -1 पावर नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका सबसे पहले ठीक होना चाहिए। हाँ अगर ये वाले कॉन्सेप्ट है, ये किसके बराबर होगा, इसको आप इस तरह लिखोगे। अगर आपके पास ये सिचुएशन आई है ना कहीं कि एफ ऑफ एक्स और इसकी पावर है -1, तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। जमीन आसमान का फर्क है इस चीज में और इस चीज में। -1 की प्लेसमेंट देखो कहां पे, यहां पे -1 यहां पे लिखा हुआ है और इधर -1 यहां पे लिखा हुआ है। ये -1 यहां पे पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये -1 इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको नोट कर लेना आप लोग, अब हर चीज का स्क्रीनशॉट थोड़ी ना लोगे, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना तो अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वहां से देख लेना। अच्छा तो बच्चों ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है ना, मैं मशवरा दूंगा आप लोग क्या करो, किसी भी पार्ट को ट्राई करने से पहले आप सिंपल इसका इनवर्स निकाल लो, जैसे इनवर्स आ जाए उसके बाद चारों पार्ट आप एक साथ निकाल सकते हो। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहला स्टेप बच्चों मैंने आप लोगों को क्या बताया था, इसको आप कह सकते हो स्टेप 1। स्टेप 1 क्या था यहाँ पे, कि आपने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह पे वाई लिखना है, ये था स्टेप 1। अच्छा जी अब आ जाओ स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 2 में आप लोगों को क्या बताया था कि आप लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है, किस तरह निकालोगे, इस 1 को आप उधर ले जाओ तो 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर अगर आपको x निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा y -1 अपॉन
माइनस फाइव. अच्छा माइनस नॉर्मली हम नीचे लिखते नहीं है, हमें पसंद नहीं है, हम अपने आंसर को जितना अच्छा कर सके ना उतना करते हैं. तो इस माइनस को ना आप न्यूमिनेटर के साथ लगा दो. न्यूमिनेटर के साथ लगाने का मतलब ये माइनस जो है ये न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो. आपकी मर्जी है नीचे माइनस लिखो या ऊपर लिखो. तो जब ये माइनस ऊपर लिखोगे ना आप, तो माइनस वाई से मल्टीप्लाई होकर माइनस वाई हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव वन हो जाएगा. तो ऊपर अब आपके पास ये सिचुएशन आ जाएगी माइनस से मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी. अब ये वाली और इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन ये दिखने में अच्छी लग रही है, ये दिखने में थोड़ी अजीब सी लग रही थी कि नेगेटिव आ रहा था डिनोमिनेटर में. ये आपका क्या हो गया, स्टेप टू कंप्लीट. फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे परफॉर्म करना है स्टेप थ्री. एक्स की जगह पे आपने लिखना है एफ ऑफ इनवर्स वाई. फिर अगेन वही बात, फंक्शन में आपके पास वेरिएबल एक्स है, यहाँ पे आप वेरिएबल वाई लिख रहे हो, मजा नहीं आ रहा. तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल सेम कर लेते हैं. इसको मैं लिख दूंगा एफ ऑफ इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा वन माइनस एक्स अपॉन फाइव. ये बच्चों आपके पास इनवर्स आ गया. वंस आपके पास इनवर्स आ जाए अब कोई इशू नहीं है, आप आसानी से जो आपको बोला जा रहा है वो आप कर सकते हो. जैसे पार्ट वन में बोला हुआ है एफ ऑफ इनवर्स 36, एक पार्ट में करवा देता हूं, बाकी आप लोग को ट्राई कर लेना. तो पार्ट वन में आपको बोला हुआ ये निकालो एफ ऑफ इनवर्स 36. तभी देखो मैं इसको कभी ये नहीं बोलता एफ ऑफ एफ टू द पावर माइनस वन, मैं ये नहीं बोल रहा क्योंकि पावर नहीं है माइनस वन, ये इनवर्स है. तो मैं बोलता हूं एफ इनवर्स. तो जरा इन चीजों को कॉन्सेप्ट को जरा लेके चलना. तो एफ ऑफ इनवर्स 36 का मतलब ये है कि जो इनवर्स आपने निकाला है उसमें एक्स की जगह पे आप 36 पुट कर दो, तो कोई मसला नहीं है, पुट कर देते हैं. या ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स की जगह पे आप पुट कर दो 36. 1 माइनस 36 क्या होता है, माइनस 35. माइनस 35 को आप डिवाइड करो 5 से तो माइनस 7 आ जाएगा. और बाकी पार्ट आप लोग इसी पैटर्न पे कर लेना, कोई इशू नहीं है. ठीक है. अच्छा अगर आपने पेपर में अपना आंसर चेक करना है कि यार आपने वैल्यू सही निकाली या नहीं निकाली, तो वही कॉन्सेप्ट लगाओ फंक्शन ऑन इनवर्स का. आपने क्या पढ़ा था, जो फंक्शन की डोमेन है, जो फंक्शन का इनपुट है वो आउटपुट होता है. मतलब एक फंक्शन के अंदर आपने इनपुट किया आपको आउटपुट मिला, उस आउटपुट को आप इनवर्स में पुट करो आपको दोबारा इनपुट मिल जाएगा. ये मैंने कल समझाया था, दोबारा बता देता हूं कि अगर आपके पास एक फंक्शन है, आपने उसके अंदर कुछ इनपुट किया और उस फंक्शन ने आपको आउटपुट दे दिया, उस आउटपुट को अगर आप पुट करोगे इनवर्स के अंदर तो दोबारा आपको वही इनपुट मिल जाएगा जो आपने इस फंक्शन के अंदर पुट किया था. तो अगर आप अपना आंसर चेक करना चाह रहे हो तो ये जो आपके पास आउटपुट आया है ना इसको दोबारा पुट कर दो इस फंक्शन के अंदर, देखना आपको 36 मिल रहा होगा. उल्टा कर दो बस, इनवर्स का इनपुट 36 था और आउटपुट माइनस 7 है, इसको आप पुट कर दो फंक्शन के इनपुट में. तो जब आप माइनस 7 यहां पे पुट करोगे तो देखना क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस 5 और x की जगह माइनस 7 पुट कर दो. माइनस 5 और कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही है यहां पे. माइनस 5 माइनस 7, हाँ सही है सही, ठीक है. माइनस 5 को माइनस 7 से करो 35. 35 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 36 के बराबर. तो आप खुद देख लो रिवर्स हो रही है चीजें, इसका इनपुट 36, इसका आउटपुट 36, इसका आउटपुट माइनस 7, इसका इनपुट माइनस 7. तो अगर आप आंसर चेक करना चाह रहे हो ना तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, क्योंकि यहां पे कोई मिस्टेक हो सकती है ना, चेक कर लेना आंसर सही है. बाकी पार्ट आप लोग ट्राई कर लेना इसी तरीके से. भाई जिस पॉइंट में मसला हो रहा है, कंफ्यूजन हो रही है, पूछ लो, इससे सवाल बनेगा लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. इसकी पहले भी अहमियत होती थी सेकेंड ईयर के अंदर, तो अभी जब ये फर्स्ट ईयर के अंदर टॉपिक आया तो डेफिनेटली आएगा. तो आप लोग ये सब परफॉर्म कर लेना. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में एक और फंक्शन दिया हुआ है और आपको वैल्यूज निकालनी है, तो वैल्यूज आप लोग निकाल लो. कि मैं इनवर्स निकाल के दिखा देता हूँ आप लोगों का. वैसे इस टाइप के फंक्शंस का इनवर्स काफी निकालना है अभी, लेकिन चलो मैं आप लोगों को इनवर्स निकाल देता हूँ, बाकी वैल्यूज आप लोग पुट कर लेना. अच्छा ब्रैकेट में लिखा हुआ है टी नॉट इक्वल टू 5, और वही वजह है कि अगर टी 5 पुट करोगे तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, वैसे ही आपको वो बता रहे हैं. अच्छा जी सबसे पहला स्टेप क्या है, अब मैं 1 लिख दिया करूंगा, आप लोग इस तरह लिख देना स्टेप 1, अच्छा लगेगा. पहले स्टेप में क्या करना है, इसके जगह पे आपने वाई लिखना है. अच्छा जी दूसरे स्टेप में क्या करना है, आपको यहाँ पे टी की वैल्यू निकालनी है. अच्छा पहले वेरिएबल आपका एक्स हुआ करता था, अब टी है, कोई इशू नहीं है. टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, टी माइनस 5 को आप ले जाओ इधर और वाई को ले आओ नीचे, ये सिचुएशन बन जाएगी. फिर आपको टी निकालना है, माइनस 5 को आप उधर ले जाओ, तो वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा 5, यहाँ पे नेगेटिव था वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा. सिंप्लीफाई करते हैं इसको, y को 5 से मल्टीप्लाई करवाओ और ऐड करवाओ 1 के अंदर, तो ये हो जाएगा 5y प्लस 1 डिवाइडेड बाय y.
ये आपका स्टेप टू जो है ये कंप्लीट हो गया। स्टेप थ्री में आप क्या करते थे, आप इस पी की जगह पे पुट कर देते थे एफ इनवर्स वाई, ठीक है, और राइट हैंड साइड क्या है आपकी फाइव वाई प्लस वन अपॉन वाई। और चौथे स्टेप में आप क्या करते थे, आपको वेरिएबल चाहिए होता था जो इधर वेरिएबल लिखा हुआ है, अब एक्स नहीं कर देना भाई, मकसद ही खराब कर दोगे सारा। यहाँ पे एंड पे वेरिएबल चेंज करने का मकसद क्या था, जो ओरिजिनल वेरिएबल है उससे मैच करना है। तो यहाँ पे ओरिजिनल वेरिएबल टी है, तो आप टी पुट करना, एक्स पुट कर सकते हो लेकिन मकसद पर फायदा नहीं है ना, तो एंड पे आप टी पुट कर देना, तो आपका जो इनवर्स है वो पूरा टी की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये इनवर्स आ गया, ठीक है। अच्छा, गलत बात यहाँ पे ये है कि मैंने f यूज किया, f यूज नहीं करना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे f का इनवर्स नहीं निकाल रहे, g का इनवर्स निकाल रहे हो, तो आपने यहाँ पे g पुट करना है, g का इनवर्स आपने निकाला है, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ये इनवर्स आ गया। अब आपको जो भी तीन चार पार्ट है उसमें जो वैल्यूज पुट करनी है इसके अंदर पुट कर लो और आंसर निकालते जाओ। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थ्री के वैसे 12 पार्ट है लेकिन तकरीबन सेम ही किस्म के सारे सवाल हैं, तो आपको ऐसे सब करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप लोग कर लेना, मैं सब नहीं कर पा रहा। जैसे पार्ट वन देखो, तो इसमें एक्स की वैल्यू निकालना है, ऐसे कोई मसला नहीं है। पार्ट नंबर टू में भी नहीं होगा, पार्ट नंबर थ्री में भी नहीं है, फोर फाइव सिक्स, चलो मैं फोर करवा देता हूँ। फोर में शायद पार्ट नंबर फाइव तक एक ही किस्म के सारे फंक्शन है, सारे स्ट्रेट लाइन के हैं, तो कोई मसला नहीं होगा आपको। इवन पार्ट नंबर सिक्स में भी स्ट्रेट लाइन है। तो छह के जो पार्ट है ना शुरू के, क्वेश्चन नंबर थ्री के छह पार्ट सेम ही कॉन्सेप्ट है सबके अंदर, सेम ही तरीके से आपने करना है। मैं पार्ट नंबर फोर करवा देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि क्या करना है इसके अंदर। सवाल आपका सिंपल लिखा हुआ, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, जो आप ऊपर भी कर रहे थे, आप इनवर्स निकाल रहे थे उनके। तो अभी अच्छा एक मैं बात बता दूं आप लोगों को, ये जो क्वेश्चन नंबर वन है ना, इसकी मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को। इस क्वेश्चन नंबर वन में आपको बोला हुआ था कि ये चीज मालूम करो, वो जो 36 आपने इनवर्स के अंदर पुट करना था। इस सवाल को आप एक और तरीके से भी कर सकते हो। एक और तरीका क्या है कि आपको इनवर्स के अंदर 36 पुट करना है ना, तो इसका मतलब क्या है, कंसीडर कर लो आपने इनवर्स के अंदर कुछ पुट किया जिसके रिजल्ट में आपको सी मिल रहा है। कंसीडर कर लो कि भाई यहां पे आपने इनवर्स के अंदर 36 पुट किया, आपको कुछ ना कुछ आंसर मिल रहा होगा ना। तो ये काम आप रिवर्स में भी कर सकते हो। रिवर्स में मैंने क्या बताया था कि जो इनवर्स का है, जो इनवर्स का आउटपुट है, इसका रिलेशन क्या होगा कि अगर इसके आउटपुट को यहां पे आप पुट करोगे तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, इसका इनपुट। रिवर्स ही बोला था ना, यहां पे 36 है, आंसर सी आ रहा है, अगर आप यहां पे सी पुट करोगे तो आंसर में क्या आएगा, 36 आएगा। तो अगर आप ये वाली अप्रोच लगा रहे हो तो फिर आप इस तरीके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हो, आपको इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर पार्ट में आपको बार बार ये काम करना पड़ेगा। मैं बताता हूं कैसे। आप इस आउटपुट को जो आपने लेट किया किसी सी के बराबर है, आप यहां पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस फाइव सी प्लस वन, ये हो जाएगा ना। उसके बाद आपको मैंने क्या बताया कि अगर आप ये आउटपुट फंक्शन के अंदर पुट करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, इक्वेशन है माइनस फाइव सी वन को उधर ले जाओ, सब्ट्रैक्ट होके वहां पे 35 बच जाएगा। यहां से सी की वैल्यू निकालो, सी माइनस सेवन आ रहा है। जैसे ही आपको पता चला सी माइनस सेवन आ रहा है, यहां पे पुट कर दो, आपको वैल्यू मिल गई एफ ऑफ इनवर्स 36 जो है वो माइनस सेवन के बराबर है। ये समझ आया तरीका सबको? यस सर। बाकी भी जरा बता दो यार। सर ये थोड़ा रिपीट कर दो। तो मैं तो अच्छा बोलते क्यों नहीं हो तुम लोग, मैं बार बार पूछूंगा तो बोलोगे क्या भाई? सवाल सिंपल ये था कि आपको निकालना है एफ ऑफ इनवर्स 36, यही सवाल था ना। मैंने आप लोगों को बहुत देर पहले बात बताई है कि जो इनवर्स का इनपुट है और जो आउटपुट मिलेगा, आप क्या करोगे अगर आप उस आउटपुट को पुट कर दोगे फंक्शन के अंदर, जैसे आपने जो भी आउटपुट आ रहा है उसको आपने यहां पे पुट कर दिया, तो कंसीडर कर लो ये आपने आउटपुट यहां पुट कर दिया, तो अब आपको आंसर में पता क्या मिलेगा, जो इधर इनपुट है, मतलब उल्टा मिलेगा, रिवर्स काम चल रहे होते हैं। इसको डिफरेंट अंदाज में आप कह सकते हो। मैंने आप लोगों को इस तरह बताया कि लेट कर लो जो इनवर्स की वैल्यू है, कंसीडर कर लो वो वैल्यू सी के बराबर है, कंसीडर कर लो ना, कुछ भी लेट कर लो आप, आपको ये निकालनी थी आपने लेट कर लिया, वो सी के बराबर है। आप यहां पे ऑब्जर्व करो, जो इसका इनपुट है वो 36 है और जो इसका आउटपुट है वो सी है। अगर आप इस आउटपुट को पुट कर दोगे यहां पे एज अ इनपुट, तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, 36, क्योंकि रिवर्स काम चल रहे हैं। यहां पे आउटपुट सी था, आप इसको इनपुट कर दो और यहां पे जो इनपुट था वो आपको यहां पे आउटपुट में मिल जाएगा।
तो यही मैंने बात बोली है, जब आप सी पुट करोगे इस फंक्शन के अंदर तो रिजल्ट में आपको क्या मिलना चाहिए, 36। तो मैंने इसको 36 के बराबर रखा। कुछ समझ आई अब? जी सर, अब ठीक है। कल का लेक्चर भी देखना, कल इनवर्स का मैंने डिटेल में बातें बताई हुई थी उसके अंदर भी, तो मजीद बातें क्लियर हो जाएंगी। तो वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी तरीका है, लेकिन ये तरीका आपको हर पार्ट में बार बार करना पड़ेगा। हर पार्ट में आप ये काम करोगे ना तो बार बार करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने कहा था बेहतर है कि अगर पेपर में ये सवाल 2-3-4 पार्ट के साथ आया हुआ है तो आप एक ही दफा इन्वर्स निकालो और उसके अंदर बार बार वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लो, वरना हर पार्ट के अंदर आपको जो भी वैल्यू लिखी हुई होगी उसको लेट करना पड़ेगा, फिर पुट करके इस तरह सॉल्व करना पड़ेगा। बहरहाल कर सकते हो, ये भी कोई इशू नहीं है। थ्री का पार्ट नंबर 4 है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5/9 एक्स माइनस 32। ये इस टाइप की इक्वेशन आप लोगों ने कहीं देखी होगी, याद है कहां पे देखी हुई है? कि जब आप लोग पढ़ोगे ना, या पता नहीं अभी तक पढ़ ली है या भूल गए क्या है, टेम्परेचर आप लोग जब पढ़ते थे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस टाइप की इक्वेशंस होती थी। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे, अगर पढ़ लिए तो दोबारा देखना उस जगह जाके, फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए इस टाइप की इक्वेशन आप यूज करते थे। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है इसमें एक्स क्या था, या तो सेंटीग्रेड के अंदर था या फ़ारेनहाइट के अंदर था, और रिजल्ट में आपको सेंटीग्रेड के अंदर टेम्परेचर जो भी है मिलता था, लेकिन ये इक्वेशन उसी टाइप की है। भारत सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको इनवर्स निकालना है, तो आप यहां पे वाई लिख दो। अच्छा जी, दूसरा स्टेप क्या है कि आपने एक्स के लिए सॉल्व करना है। अब एक्स के लिए सॉल्व कैसे करोगे? सिंपल, आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये आपकी स्किल्स हैं कि आपने मैथ किस तरीके से पढ़ी हुई है। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? इस 5/9 से छुटकारा हासिल कर लो। कैसे? 9 को जाके मल्टीप्लाई करवा दो, 5 को डिवाइड करवा दो, तो यहां पे क्या बचेगा, एक्स माइनस 32, ये 9 जाके मल्टीप्लाई हो गया, 5 जाके डिवाइड हो गया, ये सिचुएशन बन जाएगी। फिर आपको एक्स चाहिए, माइनस 32 को उधर ले जाओ, तो 9y/5, ये माइनस 32 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। चाहो तो थोड़ा मजीद सिंप्लीफाई करना चाहो इस तरह भी लिख सकते हो, 9y+5 को अगर आप 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 160 आएगा डिवाइडेड बाय 5। चाहो तो बिल्कुल सिंप्लीफाइड फॉर्म में आप इस तरह लिख सकते हो, ये आपके पास एक्स आ गया। तीसरा स्टेप क्या होगा, एक्स की जगह पे आप लिखोगे एफ ऑफ इनवर्स वाई, और चौथा स्टेप क्या होगा कि आपने वेरिएबल चेंज करना होगा, 160+9x इस तरह लिख देते हैं, वाई की जगह मैंने एक्स पुट कर दिया, तो ये आपके पास इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये काम आपने पार्ट 1, 2, 3 और 5, 6 जो बाकी 5 पार्ट है ना उसके अंदर भी यही करना, आपको बस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ये थोड़ा मुश्किल पार्ट है, बाकी इस वाले और इस वाले में तो कुछ भी नहीं करना ना। सेकंड स्टेप में होता है कि बस एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लेना, ऐसे कोई मसला नहीं है। पार्ट नंबर 6 के आगे थोड़े फंक्शन डिफिकल्ट है, उनको हम जरा देख लेते हैं। जैसे पार्ट नंबर 7 में एक है, उसको जरा सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू t² + 5। अब ये देखो वही चीज थी, अब अगर मैं आपको ना बताता तो आपको इसका मतलब समझ नहीं आता। क्यों मतलब समझ नहीं आता? आप कहते हैं कि यार क्यों उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ कि टी पॉजिटिव ही होगा, हालांकि ये तो एक सिंपल क्वाड्रेटिक फंक्शन है। आप यहाँ पे टी कुछ भी पुट कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव, इसको मसला थोड़ी ना होगा, कोई स्क्वायर रूट तो नहीं आया हुआ यहाँ पे। लेकिन अब मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था कि ये काम अब कब करते थे, इसको 1:1 बनाने के लिए, ताकि इसका इनवर्स क्या हो, फंक्शन हो। ये कॉन्सेप्ट की ताकत होती है कि आपको चीजें समझ आने लग जाती हैं कि क्यों लिखी हुई है, उनका मकसद होता है, ऐसी नहीं उन्होंने उठा के लिख दिया। अच्छा, पहला स्टेप क्या होगा, अगेन वाई लिखना है आपने। अच्छा जी, दूसरा स्टेप क्या होगा, टी की वैल्यू निकालनी है, तो t² = वाई माइनस 5 के, आप दोनों तरफ यहाँ पे स्क्वायर रूट अप्लाई कर दो। अब देखो मैं यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगा रहा, क्यों? क्योंकि मुझे सवाल में पहले उन्होंने बोल दिया कि टी पॉजिटिव है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करनी है, नेगेटिव मैंने कंसीडर नहीं करनी। ये मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे एक सवाल आता था, बहुत बच्चों ने पूछा हुआ कि सर कहीं आप प्लस माइनस लगाते हैं, कहीं प्लस माइनस नहीं लगाते, तो ये वो जगह है जहां पे प्लस माइनस आप नहीं लगा रहे, और आपको रीजन मैंने बताइए क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि सवाल में आपको मना कर दिया है, सवाल में आपको बोला है कि आपने पॉजिटिव ही कंसिडर करनी है। इसी तरह कुछ ऐसी भी सिचुएशन होती है जहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता, लेकिन आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम होता है। जैसे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम का मतलब कि जो वेरिएबल टी है, कंसिडर कर लो वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर की साइड की लेंथ को, एक स्क्वायर है उसकी साइड की जो लेंथ है उसको आप टी से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो आपको पता है कि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो
तो अगेन वहां पे प्लस माइनस नहीं लगाओगे, आप पॉजिटिव ही कंसीडर करोगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट वहां पे क्या है कि टी रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर की साइड की लेंथ को, और वो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। तो कहीं पे प्लस माइनस लगता है, कहीं पे नहीं लगता, लेकिन वो रीजन होती है कि क्यों नहीं लगाया जा रहा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा टी और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट वाई माइनस वाई। ये आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट, दैट्स इट। अब मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, आप इसकी जगह एफ ऑफ इनवर्स लिखो, और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर दो, ये आपके पास रिक्वायर्ड इनवर्स आ जाएगा। चाहो तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो, एक वेरिफिकेशन भी बुक में लिखी हुई है, वो वेरिफिकेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उस वेरिफिकेशन को भी हम देख लेते हैं। सॉरी, टी आएगा यहाँ पे क्योंकि वेरिएबल टी की फॉर्म में था। वो वेरिफिकेशन क्या होती है, वो बुक वालों ने डिस्कस की हुई है, हम भी जरा देख लेते हैं उसको। जब आपने एक फंक्शन गिवन था आपको, आपने उसका इनवर्स निकाल लिया, अगर आपको पेपर में बोले कि वेरीफाई भी करो, इस सवाल में उन्होंने बोला हुआ नहीं है, मैं सवाल में नहीं बोला हुआ, और लेकिन जो बुक में उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ना, उसके एंड पर उन्होंने वेरिफिकेशन भी दी हुई है, तो मैं रिकमेंड करूंगा वेरीफाई भी करके देख लेना, बता देना उनको कि हाँ भाई ये इनवर्स ही है। तो वेरिफिकेशन करने का तरीका क्या है, एक तो तरीका ये है ना कि आप वैल्यूज पुट करो, लेकिन देखो वैल्यूज पुट करने का तरीका जो है वो बहुत स्पेसिफिक है, मे भी कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज उस बात को सेटिस्फाई कर रही हूँ लेकिन सब वैल्यूज ना कर रही हूँ, तो बेहतर है जनरलाइज तरीका जो होता है ना वो ओवरऑल हर चीज को। तो जनरलाइज तरीका यहाँ पे क्या है, जनरलाइज तरीका आप ये करो कि आप ये चीज मालूम करो, यहाँ पे एफ ऑफ इनवर्स टी दोनों मालूम करने को उन्होंने तो नहीं दिखाया है ना, एक ही चीज मालूम की हुई होगी, उन्होंने एक ही चीज मालूम की हुई है। ठीक है, अच्छा दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो इस तरह आप लिखो इसको या इस तरह लिखो, मतलब एक में f अंदर f बाहर है और f इनवर्स अंदर है, मैं इसका मतलब बताऊंगा क्या है इसका, एक में f इनवर्स अंदर है और f बाहर है, और इसमें f इनवर्स बाहर है f अंदर है, आपकी मर्जी, आप कोई भी एक दिखा दो, बुक वालों ने ये शो किया हुआ है हम ये वाला शो करके दिखा देंगे, कोई इशू नहीं है, दोनों आपस में बराबर ही होंगे, दोनों के आंसर आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, और इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होगा, इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, जरा इस बात को समझो, ये जो फंक्शन आपके पास लिखा हुआ है f of t equal to t square plus 5, इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, t लिखा हुआ हो x लिखा हुआ हो, बच्चों इनकी कोई औकात नहीं है, ये जो वेरिएबल्स आपको नजर आते हैं ना इनकी कोई औकात नहीं है, कहीं x नजर आएगा कहीं t नजर आएगा, कोई लेवल नहीं है इनका, असल जो औकात है वो इनपुट की है, आपको असल मतलब ही आना चाहिए कि जो वेरिएबल लिखे हुए ना वो जस्ट लिखे हुए हैं, उन्होंने जगह घेरी हुई है, वो प्लेस होल्डर है, लेकिन असल कॉन्सेप्ट है वो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे टी का मतलब क्या है कि भाई इनपुट करो यहाँ पे, ठीक है, और जहां जहां पे टी आ रहा है इसका मतलब वहां पे आपने इनपुट करना है, अब वो इनपुट आपका कुछ भी हो सकता है, बिलफर्ज मैं आपको बोलता हूँ इनपुट की जगह फाइव पुट करो, तो अब यहाँ पे फाइव पुट करोगे, यहाँ पे भी फाइव पुट करोगे जो आप टी की जगह पे करते थे, तो कहने का मतलब ये चीजें होती है इनपुट, यहाँ पे पुट करना है, जहां जहां पे आपके फंक्शन में टी आ रहा है इसका मतलब वहां पे आपको इनपुट करना है जो आप पुट करना चाह रहे हो। अब अगर आप इस सवाल पे आओ, इस सवाल में बाहर फंक्शन कौन सा है एफ और अंदर क्या इनपुट क्या है, ये पूरी चीज इनपुट है, अगर आप यहाँ पे देखो ये जो राउंड ब्रैकेट के दरमियान जो भी चीज लिखी हुई होती है वो क्या होती है, इनपुट होती है, तो राउंड ब्रैकेट के दरमियान यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एफ ऑफ इनवर्स टी, इसका मतलब यहाँ पे आपका इनपुट क्या है एफ ऑफ इनवर्स टी, मैं इस तरह अलग से बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए कि ये f के अंदर आपने ये इनपुट करना है, सही है, ये आपका फंक्शन है, आपने t की जगह पे क्या पुट किया है f ऑफ इनवर्स t, तो अगर यहां पे t की जगह पे f ऑफ इनवर्स t आ रहा है तो यहां पे भी t की जगह पे क्या आएगा f ऑफ इनवर्स t, तो आपने t की जगह पे क्या पुट कर दिया f ऑफ इनवर्स t बाहर है स्क्वायर प्लस 5, ये स्टेप समझ आया सबको, ये सर बाकी भी बता दो जल्दी जल्दी, अच्छा इनपुट की जगह आपने एफ ऑफ इनवर्सिटी पुट कर दिया, उसके बाद आप क्या करो जो एफ ऑफ इनवर्सिटी की आपने वैल्यू निकाली है ना वो राइट हैंड साइड पे पुट कर दो, एफ ऑफ इनवर्सिटी की वैल्यू आपने ये निकाली थी ना तो ये आप राइट हैंड साइड पे पुट कर दो, आप क्या करो यहां पे पुट करो स्क्वायर रूट टी माइनस फाइव, पुट कर दिया आपने, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, आपके पास आएगा t माइनस फाइव और यहाँ पे क्या है 5, 5 और माइनस फाइव कैंसिल, एंड पे आपके पास t बचेगा, याद रख लो कि अगर इस चीज का आंसर या इस चीज का आंसर अगर आपको t मिले
तो समझ जाना आपका आंसर ठीक है। आंसर ठीक होने का मतलब इस फंक्शन का वाकई ये इनवर्स है, क्योंकि अगर इस फंक्शन का ये इनवर्स ना होता तो आंसर में आपको टी नहीं मिलता। मतलब जो वेरिएबल यूज हुआ हुआ था ना एंड पे, आपको बस वो वेरिएबल मिल जाएगा। अगर एक्स की फॉर्म में आपका फंक्शन था तो एंड पे आपको एक्स मिल रहा होगा, अगर आपका फंक्शन टी की फॉर्म में है तो देखो आपको एंड पे टी मिलेगा। तो या तो आप ये चीज कैलकुलेट कर लो या ये चीज कैलकुलेट कर लो, और अगर इसका आंसर टी के बराबर आ जाए या जो भी वेरिएबल यूज हुआ हुआ उसके बराबर आ जाए, तो समझ जाना आपका जो काम है वो आपने बिल्कुल ठीक किया है, इस फंक्शन का इनवर्स वाकई यही है। ठीक है, अगर आप देखो तो ये बुक में आपको 8.2 जहां पे स्टार्ट हुई है ना, इसके ऊपर ही अगर आप देखो उन्होंने एग्जांपल सॉल्व की हुई है, और वो आपका फंक्शन एक्स की फॉर्म में था, तो अगर आप देखो पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करने के बाद एंड पे आपका एक्स आ रहा है, तो उन्होंने बता दिया कि एफ ऑफ इनवर्स, वो तो खैर अलग उन्होंने चीज बताई है, बहरहाल तो ये प्रूव हो जाएगा कि हाँ भाई ये क्या है, यहाँ पे इनवर्स है इसका। तो इस तरीके से वेरीफाई करना चाहो तो कर लेना आप लोग, स्टेप्स मैंने आप लोगों को बता दिए, आप इसकी वैल्यू निकालना, ये जो मैंने स्टेप किया हुआ है ना यहाँ पे, ये आपने लिखना है, वेरिफिकेशन की हेडिंग बनानी है आपने, और वेरिफिकेशन की हेडिंग के बाद आपने ये काम करना है, ये जो लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनल फंक्शन होगा उसके अंदर आप इनवर्स टी पुट करना, सॉल्व करना, एंड पे टी आ रहा है तो लिख देना हैंस वेरीफाइड, दैट्स इट, ये लिखना काफी है, ये वेरिफिकेशन होती है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा जी, पार्ट नंबर 8 जो है, अच्छा इसको हम लिखेंगे y इज इक्वल टू 5√t, आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। एक काम करो स्क्रीनशॉट ना लो, ये स्टेप्स आप लोग बना देना, मैं जो मेन स्टेप है ना रफली आप लोगों को बता देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। पार्ट नंबर 8 में ये फंक्शन लिखा हुआ है, इसको y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, t की वैल्यू कैसे निकालोगे, रूट टी बराबर होगा 5 को डिवाइड कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, ये देगा वाई स्क्वायर अपॉन 5, ये इतना सिंपल है आपका। ठीक है, अच्छा जी, और एंड पे आप इसको क्या कर देना, वही वेरिएबल चेंज कर देना, बिल्कुल एंड पे इसका आंसर ये आ रहा होगा। ठीक है, तो इस पूरी चीज का आंसर जो है वो इसके बराबर होगा। रिस्ट्रिक्शन अगर आप देखो, इस सवाल में रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, अगर आप ओरिजिनल सवाल में देखो ना वही रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, टी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो अगर इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है तो रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी लगेगी जरूरी। ये मत देखना कि यार यहाँ पे देखो, एक दफा जब आपको रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए ना तो आपको वही चीज इनवर्स के अंदर भी करनी पड़ती है, वरना गलत हो जाएगी बात। कि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन थी टी ग्रेटर देन जीरो, आपने पॉजिटिव भी पुट करना है और यहाँ पे आप अपनी तरफ से कुछ भी पुट कर दो। ये इसलिए नहीं है, अगर आप ऑब्जर्व करो ना यहाँ पे आपको दिखने में लग रहा है कि रिस्ट्रिक्शन इसलिए लगाई है क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट के अंदर आप कुछ नेगेटिव नहीं पुट कर सकते, बात आपकी ठीक है यहाँ पे बिल्कुल वेरीफाई हो रही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाओगे ना तो ये चीज गलत हो जाएगी। चीज गलत इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो फंक्शन आ रहे हैं 1:1 नहीं है, इनवर्स और ओरिजिनल जो फंक्शन है वो दोनों 1:1 होने चाहिए। अगर आपका ओरिजिनल फंक्शन 1:1 है उसका इनवर्स भी 1:1 होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ओरिजिनल फंक्शन 1:1 है और जो आपका इनवर्स आ रहा है वो 1:1 नहीं है। तो ये 1:1 था, तो ये 1:1 नहीं है, लेकिन अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाओगे ना तो अब ये 1:1 बन जाएगा। तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया इनवर्स के अंदर जो आपके पास फंक्शन में रिस्ट्रिक्शन है आपको इनवर्स के अंदर भी वो लगानी पड़ती है। ठीक है, वरना चीजें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो ये आप लोग कर लेना। इसी तरह पार्ट नंबर 9 है, बहुत बच्चों वाला है, मैं यहीं पे आप लोगों को करवा देता हूँ, स्टेप्स आप लोग बना के लिख लेना। लिखा हुआ है एफ ऑफ टी इज इक्वल टू टी माइनस 5 का होल क्यूब, तो आप इसकी जगह वाई लिखोगे। ठीक है, अब आपको वैल्यूज निकालनी है टी की, टी की वैल्यू कैसे निकालोगे जरा बताओ जल्दी जल्दी बताओ भाई। क्यूब रूट लेंगे भाई, क्यूब रूट लेंगे यहाँ पे सिंपल, इस तरफ भी आप क्यूब रूट ले लो सर, इस तरफ भी आप नीचे 25 होगा, थोड़ा देख ले 25 होगा किधर, अच्छा सॉरी हाँ सही कह रहे हो, यहाँ जब हमने स्क्वायरिंग की थी तो यहाँ पे 25 आना चाहिए, यहाँ सही बताया। अच्छा तो यहाँ पे सॉल्व करो, अच्छा ये वाई क्यूब रूट को आप इस तरह भी लिख सकते हो, वाई की पावर 1/3, लिखने का तरीका होता है आपकी मर्जी है, और ये क्यूब इस क्यूब रूट से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे टी माइनस 5 बच जाएगा, और टी की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी, माइनस 5 को उधर ले जाओ तो वाई की पावर 1/3 प्लस 5, ये आपके पास टी की वैल्यू आ जाएगी। एंड पे जब आप बिल्कुल सिंप्लीफाई लिखोगे तो कैसे लिखोगे, एफ ऑफ इनवर्स टी बराबर होगा टी की पावर 1/3 प्लस 5, वेरिएबल यहाँ पे टी है तो एंड पे आंसर भी जो है वो आप टी में लिख देना। तो थर्ड और फोर्थ स्टेप जो है ना वो आप लोग परफॉर्म कर लेना, दूसरा स्टेप असल मुश्किल होता है वो मैं आप लोगों को बता रहा था। अच्छा जी,
अच्छा पार्ट नंबर अगर 10 देखो आप, उसमें उल्टा लिखा हुआ है। अब आपको ऑलरेडी क्यूब रूट दिया हुआ है, पहले आपको क्यूब पावर दी हुई थी, अब आपको क्यूब रूट दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे y लिखोगे, अब अगर आपको t की वैल्यू निकालनी है तो अब आप क्यूब लोगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा y क्यूब, और इसका जब आप क्यूब लोगे तो नेक्स्ट स्टेप में क्यूब और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे t प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पे y की वैल्यू निकालना, y क्यूब माइनस 1 आ जाएगा, एंड पे आपका जो इनवर्स है वो हो जाएगा t क्यूब माइनस 1। ठीक है, पार्ट नंबर 9 जो है बच्चों ये बिल्कुल एज इट इज, अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 देखो ना उसमें भी इसी किस्म का एक फंक्शन मौजूद था, पार्ट नंबर 11 में भी एग्जैक्ट उसी किस्म का फंक्शन मौजूद है, तो देख लेना ऐसा कोई मसला नहीं है इसमें। और पार्ट नंबर 12 में भी खैर इसी टाइप का है, उसको भी देख लेते हैं जल्दी से। वाई की फॉर्म में लिखना ये हो जाएगा, आपको बेसिकली एक्स निकालना है, तो एक्स कैसे निकालोगे, 2x+1 को उधर ले जाओ और वाई को नीचे ले आओ, जैसे वो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे ना इसको उधर, वाई को नीचे ले। उसके बाद 2x किसके बराबर होगा, 1 को उधर ले जाना, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, सिंपलीफाई कैसे करोगे, y को -1 से करो और ऐड करवा दो 1 के अंदर, तो ये सिचुएशन आएगी कि y को आपने मल्टीप्लाई किया माइनस से और फिर ऐड करवा दिया 1 के अंदर, तो 1 - y / y हो जाएगा ये, और एंड पे आपको x निकाल लेना तो 2 को डिवाइड कर देना, तो फाइनल आपके आंसर ये आ जाएगा, 2 आपने डिवाइड कर दिया। और इनवर्स की फॉर्म में आखिरी स्टेप में आप ये काम करना कि पूरे फंक्शन का वेरिएबल जो है उसको x बना देना, ये आपके पास इनवर्स आ जाएगा। ये है पार्ट नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम देख रहे थे बच्चों, इसमें आपको इनवर्स भी निकालना है और उसके बाद इनवर्स की आपको डोमेन और रेंज भी बतानी है, ये सिंपल सवाल है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 है ये, f(x)(x-1)/(x-3), और इसके आगे ये चीज उन्होंने मेंशन की हुई है। तो बच्चों पहली मैं चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं, फंक्शन जो आपके पास इनवर्स आएगा उसकी डोमेन निकालना तो आपके लिए इजी होगा। आपको पता है डोमेन निकालना काफी आसान होता है, रेंज में हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती, सोचना पड़ता है। तो जो इनवर्स फंक्शन जब आप निकालोगे तो डोमेन तो आप उसकी डायरेक्ट निकालोगे, रेंज में मसला होगा। तो आप उसकी रेंज नहीं निकालना, आप बस कॉन्सेप्ट यूज कर लेना। कॉन्सेप्ट क्या था कि इनवर्स की जो रेंज है वो फंक्शन की डोमेन होती है, तो जो आपके ओरिजिनल फंक्शन की डोमेन थी ना वही रेंज बन जाएगी आपके इनवर्स की, आपको अलग से इनवर्स की रेंज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा फायदा इसमें क्या है कि हम इस फंक्शन की डोमेन निकाल लेते हैं और जो इस फंक्शन की डोमेन होगी वो इनवर्स की एंड पे रेंज आ जाएगी, और इनवर्स की डोमेन हम आसानी से निकाल लेंगे, उसमें इतना इश्यू नहीं होगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैं सवाल में फंक्शन की डोमेन निकाल रहा हूँ, और दिखने में आपको लग रहा है कि रैशनल फंक्शन है, इसके डिनोमिनेटर को 0 a की वैल्यू करेगी, वो वैल्यू क्या है, 3। अगर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 पुट करो यहाँ पे x की जगह पे तो वो 0 हो रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रियल नंबर में से उस वैल्यू 3 को निकालना पड़ेगा। ये आपके पास आ गई है डोमेन इस फंक्शन की, अब आप इनवर्स निकालो, एंड पे ये चीज काम आएगी। इनवर्स निकालते हैं भाई। इनवर्स का प्रोसेस क्या है, सबसे पहला स्टेप आप लोगों को पता है बच्चों, आपने यहां पे वाई लिखना है। अब दूसरा स्टेप थोड़ा मुश्किल है, यहां पे सिंप्लीफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। कैसे, सबसे पहले एक्स आपको निकाला है ना, तो एक्स माइनस 3 को जाके वाई से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ये सिचुएशन आएगी। ठीक है, आपकी कोशिश यहाँ पे क्या होनी चाहिए, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि x की टर्म को आपने इकट्ठा करना है, तभी आप x कॉमन लोगे और वैल्यू निकाल लोगे आसानी से। कैसे इकट्ठा करोगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा वाई एक्स, वाई को माइनस 3 से करो, ये हो जाएगा -3y, -3y को उधर ले जाओ और इस x को इधर ले आओ, तो इस x को जब इधर लाओगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और इसको जब आप उधर लेके जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, -3y उधर जाके पॉजिटिव हो गया। अब आप इन दोनों टर्म से x कॉमन लो, यहां से y आएगा और यहां से -1, और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप आसानी से x निकाल सकते हो, इसको डिवाइड करवा दो। ये वो स्टेप्स हैं जिनके जरिए से आप यहाँ पे इनवर्स निकालोगे। ठीक है, जस्ट आपको यहाँ पे क्या करना है, टेक्निक यूज करनी है कि x की टर्म को इकट्ठा करना है, फिर आपको कॉमन लेना है और जो उसके साथ आ रहा होगा उसको आप डिवाइड कर दोगे, आपके पास यहाँ पे x आ जाएगा। वंस आपके पास x आ जाए तो तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे, इसको लिखोगे f ऑफ इनवर्स y, ये हो जाएगा 3y - 1/y - 1, और फिर आखिर में आपने क्या करना है चौथे स्टेप में, x की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। ये आपके पास बच्चों इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, एक काम तो आपको ये करना था कि इनवर्स निकालना था, दूसरा काम क्या करना था, इस इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालनी थी। तो आ जाते हैं जरा डोमेन रेंज पे। तो डोमेन इसकी क्या होगी बच्चों, आप
स्टूडेंट बता सकते डोमेन क्या है इसकी? वन के अलावा बाकी सारे। एक्सीलेंट भाई, वन नहीं पुट कर सकते, वन को आप निकाल दो रियल नंबर में से, बाकी आप जो पुट करना चाहो आप पुट कर दो, ये तो डोमेन आ गया। अब रेंज निकालना इसकी मुश्किल है, तो हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे रेंज ऑफ इनवर्स बराबर होती है डोमेन ऑफ एफ। ये जुमला लिख देना कि रेंज ऑफ इनवर्स जो है वो बराबर होती है डोमेन ऑफ एफ। तो इनवर्स की रेंज निकालने की जरूरत नहीं है, जो फंक्शन की डोमेन थी वही रेंज बन जाएगी इसकी। तो अब आप रेंज लिखो डायरेक्ट, रेंज ऑफ एफ इनवर्स क्या हो जाएगी, जो डोमेन थी फंक्शन की, फंक्शन की डोमेन क्या थी, रियल नंबर माइनस। तो ये बच्चों आपके पास इनवर्स की डोमेन आ गई और ये आपके पास इनवर्स की रेंज आ गई। स्मार्ट तरीके से हम आसानी से इसकी रेंज निकाल लेंगे, वाला हमें काफी सोचना पड़ता, हर चीज देखनी पड़ती, हमने आसानी से ये काम कर लिया है हम। ठीक है, ये इस काम आपने बाकी सवालों में भी करना है। अब मैंने एक सवाल आप लोगों को प्रॉपर करवा दिया, बाकी जरा देखते हैं जो मुश्किल हो। पार्ट नंबर टू बहुत आसान होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन का है, डोमेन रेंज सभी रियल होगी इसके अंदर, निकाल के देख लेना तो आप लोग कर लोगे। पार्ट नंबर थ्री अच्छा डिनोमिनेटर वाला है, सही है। अच्छा पार्ट नंबर सिक्स एग्जैक्ट यही है, अगर आप पार्ट नंबर वन को देखो पार्ट नंबर सिक्स को देखो, दिखने में आपको सिमिलर लग रहे हैं, इसमें तो मसला नहीं होगा आपको। अच्छा जी पार्ट नंबर थ्री चलो देख लेते हैं, और मैं रफ में बता देता हूँ आपको यार, इतना मुश्किल नहीं है। पार्ट नंबर थ्री में लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स प्लस फाइव। सबसे पहले जब आप इसकी डोमेन निकालोगे तो रियल नंबर में से आपको माइनस फाइव निकालना पड़ेगा। चाहो तो वो स्टेप भी कर लेना जो मैंने स्टेप आप लोगों को बताए थे कि एक्स प्लस फाइव को जीरो के बराबर रखना, यहां से एक्स की वैल्यू आएगी माइनस फाइव, तो आप क्या करोगे रियल नंबर में से आप माइनस फाइव को निकाल दोगे, ये फंक्शन की डोमेन आ गई है। अब जरा इनवर्स निकालते हैं, एक्स प्लस फाइव जो है वो बराबर होगा वन अपॉन वाई के, एक्स बराबर हो जाएगा वन अपॉन वाई माइनस फाइव के, और सॉल्व करो ये हो जाएगा वन माइनस फाइव वाई अपॉन वाई। तो एंड पे आपके पास इनवर्स आ जाएगा वन माइनस फाइव एक्स अपॉन एक्स, ये स्टेप्स है सारे। तो अब आपको इनवर्स की क्या निकालनी थी, इनवर्स की डोमेन निकालनी थी। इनवर्स की डोमेन क्या होगी भाई, आप जीरो नहीं पुट कर सकते, अगर आप देखो डिनोमिनेटर में एक्स की जगह आपने जीरो पुट कर दिया तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे रियल नंबर में से जीरो को निकाल दो। और इसकी रेंज क्या होगी, जो फंक्शन की डोमेन है ये इसकी रेंज आ जाएगी। तो इस तरीके से आसानी से डोमेन रेंज निकाल लोगे। अब अगेन इसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया था, तो अब आप लोगों को समझना मुश्किल नहीं होगा। ये वैसे वन टू वन फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखो जो स्क्वायर होता है ना वो वन टू वन नहीं होता, उसकी वजह ये होती है, उसकी वजह क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। आप इसके अंदर बिलफर्स यहां पे पुट करो, यहाँ पे सेवन पुट करें तो आंसर माइनस टू आएगा। हाँ अगर आप इस एक्स की जगह पे सेवन पुट करो, सेवन पुट करोगे तो सेवन माइनस फाइव क्या होता है, टू के बराबर, टू का स्क्वायर फोर। इसका मतलब आपने सेवन पुट किया आपको आंसर मिला फोर। आप यहाँ पे थ्री पुट करो, करोगे तो थ्री माइनस फाइव क्या होता है, माइनस टू, माइनस टू का स्क्वायर अगेन फोर। तो कहने का मतलब सेवन पुट किया तब भी फोर, थ्री पुट किया तब भी फोर, ये वन टू वन कैसे है, वन टू वन तो नहीं है, तो वन टू वन बनाना पड़ेगा। तो वन टू वन कैसे बनाया, उन्होंने बोला कि एक्स ग्रेटर देन फाइव ही पुट कर सकते हो या फाइव के बराबर, तो इसका मतलब थ्री आप पुट नहीं कर सकते। ये वही चीज, अगर आप इसका ग्राफ देखो ना, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा, ये राइट की तरफ शिफ्ट हुआ होगा फाइव यूनिट, इस टाइप का ग्राफ होगा। ठीक है, तो अब उन्होंने क्या बोला, वही जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था कि फाइव से इस तरफ का ग्राफ हटा दो, तो जो फाइव किस तरफ है वो आपने देखा है, तो वो बेसिकली वन टू वन फंक्शन ही है, उसको तो कोई इशू नहीं है। तो अब ये वन टू वन बनेगा तो आप आसानी से इसकी क्या कहते हैं इनवर्स निकाल सकते हो। बहरहाल तो आप इसकी सबसे पहले डोमेन निकाल लो, क्योंकि डोमेन आपको बाद में काम आएगी। डोमेन सवाल में उन्होंने खुद दी हुई है कि आपका एक्स क्या होना चाहिए, फाइव से ग्रेटर होना चाहिए या फाइव के बराबर होना चाहिए। इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो फाइव से ग्रेटर या फाइव के इक्वल हो सकता है, इस तरीके से लिख दो। या मैंने कल एक नोटेशन बताई थी वो भी आप लिख सकते हो, वो ये है कि फाइव कॉमा इन्फिनिटी, फाइव शामिल है इसलिए फाइव का स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, और फाइव से ऑनवर्ड सारे पॉजिटिव नंबर आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो ये इसके डोमेन हो गई है। अब हम इसका इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप आप एफ ऑफ एक्स की जगह वाई लिख दिया, दूसरा स्टेप क्या था कि यहां पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब एक्स की वैल्यू वैसे आ नहीं सकती,
एक्स की वैल्यू को निकालने के लिए आपको स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। स्क्वायर को कैसे हटाओगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, जब स्क्वायर रूट लेते हो तो प्लस माइनस आता है, लेकिन यहाँ पे आपको प्लस माइनस नहीं लगाना होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स की दो वैल्यूज नहीं आएंगी, एक्स की एक ही वैल्यू आएगी। यहाँ पे आपने क्या करना होगा, पॉजिटिव वाली वैल्यू भी यहाँ पे कंसिडर करनी होगी। ठीक है, नेगेटिव एक्स आ नहीं सकता क्योंकि आपको देखने में लग रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक्स माइनस फाइव बराबर हो जाएगा रूट वाई के, हो जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी फाइव प्लस रूट वाई। ठीक है, अगर आप प्लस माइनस लगाते तो एंड पे ये आंसर आ रहा होता। यहाँ पे बिलफर्ज अगर आप वाई की जगह पे, क्योंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है ना, कुछ पॉजिटिव पुट करोगे तो बिलफर्ज वाई की जगह पे आप यहाँ पे अगर फोर पुट करते रूट क्या होता है बराबर, तो इसका आंसर होता फाइव प्लस माइनस टू। मतलब एक आंसर होता फाइव प्लस टू, एक आंसर होता फाइव माइनस टू, ये सेवन हो जाता, ये थ्री हो जाता। तो एक्स थ्री के बराबर कैसे हो सकता है? सवाल में आपको ऑलरेडी बोला हुआ है एक्स फाइव से ग्रेटर होगा, दैट्स वाई यहाँ पे आप दो वैल्यू कंसिडर नहीं करोगे, प्लस माइनस ही लगाओगे, जस्ट प्लस पॉजिटिव वाली वैल्यू ही कंसिडर करोगे, क्योंकि हम जो नेगेटिव वाला पार्ट था ना वो मिटा देते थे। यही कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैंने बताया है ना। तो ये आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप इसको नोटेशन बस चेंज वेंज कर लो हल्की फुल्की, और आखिरी स्टेप क्या होगा, आपने एक्स लिख दिया, ये बच्चों आपके पास आ जाएगा इनवर्स फंक्शन। ठीक है, जैसे ही आपके पास इनवर्स आ गया, अब आपने आखिरी दो जो आंसर देने थे वो देते हो। सबसे पहले आपको बोला हुआ था कि आप डोमेन निकालो। अगर आप देखो इस फंक्शन में मसला क्या होगा भाई, आप यहाँ पे रूट आ रहे हैं ना, रूट के अंदर एक्स है, आप एक्स की जगह कुछ नेगेटिव नहीं पुट कर सकते, वरना इसके डोमेन को मसला हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर। तो आप क्या लिखो, इसकी डोमेन क्या होगी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जीरो से ग्रेटर या जीरो के बराबर हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता, वरना रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, मसला खराब हो जाएगा। इस तरह भी लिख सकते हो, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, जीरो से ग्रेटर जिसमें जीरो भी शामिल है, ये डोमेन आ जाएगी। और रेंज मैंने क्या बताया था, इनवर्स की रेंज निकालने का तरीका क्या है, जो डोमेन है इसकी, तो इसकी डोमेन क्या आती है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव। तो जो इसकी डोमेन थी वो आपने इसमें रेंज में लिख दी, आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, और आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो स्मार्ट तरीके से हमने इसका आंसर लिख दिया, सही है। अब आखिरी पार्ट करते हैं, फिर ये एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। खैर इजी है वो भी, कोई ऐसा मसला नहीं है उसके अंदर। पार्ट नंबर फाइव है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स प्लस सेवन और एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस सेवन। अगेन अगर आप यहाँ पे देखो तो आप अगर इसकी डोमेन निकालो, उन्होंने सामने इसकी डोमेन दे दी है, ठीक है। डोमेन का क्या मसला है, वो जो मैंने आप लोगों को स्टेप्स बताए थे कि रूट के अंदर जो वैल्यू है ना वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आ सकता रूट के अंदर। तो क्या हो जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस सेवन, जो सवाल में उन्होंने दिया हुआ है कि यार माइनस सेवन पुट कर लो तो जीरो होगा, अलाउड है, या माइनस सेवन से ग्रेटर पुट कर लो। माइनस सेवन से कम पुट करोगे ना बिलफर्ज, माइनस एट पुट कर दोगे तो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, हमें नेगेटिव पसंद नहीं है रूट के अंदर। तो ऑलरेडी सवाल में उन्होंने आपको डोमेन दी हुई, आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट मेंशन कर दो कि इस फंक्शन की डोमेन है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस सेवन लेता, ठीक है। ये हमें बाद में काम आएगा जब रेंज लिखेंगे। अब आप निकालो इसकी इनवर्स। इनवर्स निकालने का प्रोसीजर, सबसे पहला स्टेप आपने वाई लिखा। अब अगेन वही बात कि बच्चों आपको एक्स निकालना है और एक्स जो है वो बेचारा रूट के अंदर फंसा हुआ है। जब वैल्यू रूट के अंदर फंसी हुई हो तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको उसका स्क्वायर करना पड़ता है। दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग कर लेते हैं, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स प्लस सेवन इक्वल टू वाई स्क्वायर। उसके बाद ये पेपर में आ रहा हूं, नीचे नीचे लिखना है, इस तरह नहीं करना जिस तरह मैं कर रहा हूँ। एक्स की यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी, सेवन को उधर लेके जाओ, ठीक है। और रिस्ट्रिक्शन आपको याद होनी चाहिए, रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे क्या है कि एक्स जो है वो आपका मतलब माइनस सेवन से ग्रेटर ही रहेगा, वरना फिर इसको मसला हो जाएगा। तो अब आखिरी काम आपको क्या करना है, आखिरी काम आपको ये करना है कि इसको इनवर्स लिखना है और एंड पे आपने ये काम कर लेना है, ठीक है। ये वाला पार्ट यहाँ से थोड़ा मिस हो गया था, मैं दोबारा बना रहा हूँ, ये मैंने समझाया हुआ था पूरा। देखो सीन ये है कि यहां तक आपने इनवर्स निकाल लिया, अब रही बात क्या आपको डोमेन और रेंज निकालनी है इसकी। तो डोमेन और रेंज,
रेंज निकालना तो काफी इजी है. क्यों इजी है? क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ा था कि जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स की क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी. तो इसकी डोमेन क्या थी? इसकी डोमेन थी एक्स, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -7. ये इसकी डोमेन थी जो कि आपने इनवर्स की क्या बना दी है, रेंज बना दी है. अब जो असल मसला है ना, वो मसला डोमेन के अंदर, डोमेन कैसे निकालेंगे. अगर आप बुक में देखो तो बुक में उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब इसकी जो डोमेन है वो रियल नंबर है, जो कि बात गलत है. इसलिए गलत है क्योंकि बुक में पूरी मेंशन की हुई है लाइन 8.2 की थ्योरी में कि जो फंक्शन की रेंज है वो होती है डोमेन उसके इनवर्स की. तो हम जरा फंक्शन की रेंज निकाल लेते हैं और देखते हैं क्या वो रियल नंबर आ रही है, क्योंकि जो फंक्शन की रेंज होगी वो डोमेन होनी चाहिए इनवर्स की. तो अगर आप इस फंक्शन की रेंज निकालो तो आपको दिखने में लग रहा है जो फंक्शन है ये आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर देगा, क्योंकि फंक्शन है स्क्वायर रूट. यहाँ पे आप -7 से ग्रेटर कुछ भी पुट करोगे आंसर पॉजिटिव ही आएगा, या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा. तो अगर मैं आपको बोलूँ इस फंक्शन की आप मुझे रेंज निकाल के दो, तो रेंज क्या होगी? पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन 0. मतलब 0 और पॉजिटिव नंबर, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपको जो आंसर मिलेगा वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 में मिलेगा. तो जो इसकी रेंज है वही इसकी डोमेन होनी चाहिए. तो असली तौर पे इसकी डोमेन क्या होनी चाहिए कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये इसकी असल में डोमेन होनी चाहिए. लेकिन बुक वालों ने सिंपल इसकी डोमेन निकाली हुई एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. अब देखो ये सवाल इनवर्स के अंदर आया है, तो आपको ये इनवर्स वाली बात सेटिस्फाई करनी है. अगर मेरे पास खाली ये फंक्शन मौजूद हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7, तो भाई फिर तो मैं इसकी डोमेन रियल नंबर ही कहूंगा ना, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है इसके अंदर. लेकिन अगर ये इनवर्स के टॉपिक में आ रहा है तो फिर मुझे लाजमी सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो इसकी डोमेन है वो इसकी रेंज होगी और जो इसकी रेंज है वो इनवर्स की डोमेन होनी चाहिए, वरना ये बात सेटिस्फाई नहीं होगी, सेंस नहीं बनेगी ये बात. ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट जो है ये आप ग्राफ से भी समझ सकते हो. एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस टाइप का था यूं करके, तो हमने क्या किया था, उसको रिस्ट्रिक्ट किया था 1:1 बनाने के लिए. ठीक है, हमने रिस्ट्रिक्ट किया था कि एक्स उसमें क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो जब आपने इसका इनवर्स निकाला, इसका इनवर्स ये आया वाई इज इक्वल रूट एक्स, जो आप बनाओगे तो वो इस तरह बनेगा. तो अगर आप देखो एक सिमिट्री आपको नजर आएगी. सिमिट्री वो क्या होती है, इनवर्स और फंक्शन के अंदर एक लाइन होती है वाई इज इक्वल टू एक्स, ये लाइन की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एक्स. जो आपका फंक्शन है ना, आपने इसको रिफ्लेक्ट करवाना है अलॉन्ग वाई इज इक्वल टू एक्स. अब रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, अगेन वो थोड़ी लंबी बात चली जाएगी, लेकिन आपकी किस्म की सिमिट्री नजर आ रही है वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलॉन्ग. अब मैं जरा इनका बनाता हूं फिर आपको क्लियर होगा. अगर आप यहां पे आओ तो ये प्लस 7 जो है, मतलब इसको ड्रॉ करोगे ना तो कंसिडर कर लो ये यहाँ पे एक -7 पॉइंट है, तो आपका ग्राफ इस टाइप का ड्रॉ होगा, ये इसका ग्राफ है. और अगर इसको ड्रॉ करोगे, कंसिडर कर लो -7 कहीं यहाँ पे है, तो ये ग्राफ इस तरह ड्रॉ होगा. अब आप खुद देखो इस फंक्शन में और इसके इनवर्स में किसी किस्म की सिमेट्री आपको नजर आ रही है? नहीं. उसकी वजह यह है कि जो आपने हरकत की है कि इसके डोमेन को रियल कर दी, आपको क्या करना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, आपको उसको पॉजिटिव एक्स तक ही रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा. तो जरा मैं रिस्ट्रिक्ट करता हूँ फिर देखना. अब देखो आपके डोमेन, आपका फंक्शन कितना अच्छा लग रहा है, आपको प्रॉपर सिमिट्री नजर आ रही है वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन के अलॉन्ग. ये है फंक्शन, ये है उसका इनवर्स. और वो कैसे आया, यही तो कॉन्सेप्ट लगाया कि जो इसकी रेंज है, इसकी रेंज अगर देखो आप पॉजिटिव रियल नंबर का, सेम वो इसकी डोमेन है, इसकी डोमेन अगर आप देखो पॉजिटिव रियल नंबर है, तो जो इसकी रेंज होगी वो इसकी डोमेन होगी. ये कॉन्सेप्ट आपको लाजमी यहाँ पे यूज करना होगा. अच्छा तो यही बात अगर आप लोग ऑब्जर्व करो ना, यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है. अगर इस फंक्शन में देखो तो सवाल में उन्होंने इसको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था कि ये एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, मतलब इसकी अगर आप रेंज निकालो तो यहाँ पे रेंज क्या आ रही है, आप अगर यहाँ पे 5 पुट करोगे तो आपको 0 मिलेगा, आप 5 से ग्रेटर कुछ पुट करोगे तो आपको पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा. आप यहाँ पे 6 पुट करो, 7 पुट करो, आपको आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव यहाँ पे नहीं मिलेगा. तो अगर आप इसकी डोमेन निकालो, सॉरी इस फंक्शन की रेंज निकालो, तो रेंज क्या होगी, पॉजिटिव या 0. तो अगर आप देखो जो इस फंक्शन की रेंज थी वही इसके इनवर्स की डोमेन थी, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे निकाल के दिखाई थी कि एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर और एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. और जो इस फंक्शन की डोमेन थी, डोमेन क्या था, डोमेन उन्होंने बताई हुई थी कि एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होना चाहिए. तो यही चीज आपको रेंज में भी नजर आ रही है. तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे भी लगाया कि जो इस फंक्शन की डोमेन थी वो उसके इनवर्स की रेंज है, और जो इस फंक्शन की रेंज थी जो मैंने आपको निकाल के दिखाई ये इसकी रेंज है, तो सेम चीज वो डोमेन भी होनी चाहिए इस इनवर्स की. दैट्स व्हाई जो इसकी रेंज थी वो मैंने यहाँ पे कॉपी कर दी है.